एग्स, पराठे, केचप, सुबह प्रोटीन शेक पिया था। रात पहले यहाँ से मैं चिकन खा गया 200 ग्राम्स। नहीं पार्टी नहीं, मेरी डाइट है 200 ग्राम चिकन, घर जाके चावल। आज मेरा ओजस्वी जी के साथ इंटरव्यू है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जिम में आते ही एकदम से मुझे गर्मी चढ़नी शुरू हो जाती है। मेटाबॉलिक बहाना मार सकता हूँ मैं। यस, मेटाबॉलिक बीएमआर बहुत फास्ट है आपका। फास्ट है कि मतलब थर्मोजेनेसिस का पूरा फायदा लेते हो आप बॉडी के अपना। Watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos. तेरे को नहीं जरूरत पड़ती पानी के बीच में? बीच में तो पड़ेगी, अब गला सूखेगा। अब गला सूखेगा तो पड़ेगी। वैसे ही 3-4 लीटर पानी पीते हैं दिन का। 3-4 लीटर। ये मेरे को बड़ा ना मतलब लोगों को बताना बड़ा डिफिकल्ट लगता है, मतलब समझना किसी को। 3-4 लीटर पानी पीना है, ये 3-4 लीटर पानी पीने का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो बॉडी में 70% पानी है। हमारा ब्रेन है, मसल्स हैं, फैट है, हर चीज़ के अंदर पानी है। पूरी बॉडी 70% पानी से बनी है। और जब आप बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो पानी इज लाइक ए सप्लीमेंट। तो 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर में कम बोल रहा हूँ। जो अच्छे लिफ्टर्स होते हैं, जो अच्छे लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो तो गैलन्स के हिसाब से पानी पीते हैं। उनके पास लिटरली जैसे हम पंजाबी कहने केनियाँ होंदियाँ ना पानी दियाँ, तो वो पीते हैं सारा सारा दिन। तो पानी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं अपने दिमाग से हमेशा इधर आता है कि पानी इज लाइक ए सप्लीमेंट। पता है कि जैसे वेट लॉस भी करना होता है या वेट गेन भी करना होता है, तो जैसे हम अपने डाइट में लोग फूड लिखते हैं, हम वाटर भी लिखते हैं। मतलब मैं वाटर भी लिखता हूँ कि इतना पानी पीना है। कभी कभार अमन होता क्या है कि 5-4 लीटर पानी पी के ना पेट ही भर जाता है, फिर बंदा मील कैसे लेगा? तो उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? 5-4 लीटर एक्चुअली आप द थिंग इज कि हम जब हमें ऐसे याद नया नहीं जब हम आदत डालनी शुरू करते हैं पानी पीने की, तो हम भूल जाते हैं। फिर हम एकदम से याद आता है, ओह ट्रेनर ने कहा था पानी पीना, तो हम एक साथ 1 लीटर पी जाते हैं। तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं है आपको, वो पूरे दिन में उसको डिवाइड करके पियो। तो 3-4 लीटर के आप अगर आप डिवाइड करके पीने की जब आपको आदत लग जाएगी, तो आप 4-5 लीटर पानी भी लाइक दिन का आराम से पीलोगे। मैं सुबह उठते ही मेरा पहला काम यही है कि 1 लीटर पहले मैंने फ्रेश वाटर पीना। तुम सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीते हो? हाँ, बट अभी मैंने थोड़ी अपनी रूटीन चेंज की है। अब मैं सुबह उठ के पहले एक प्रोबायोटिक होता है जो गुड फॉर डाइजेशन, हेल्दी बैक्टीरिया। जैसे नॉर्मली लोगों को प्रोबायोटिक शायद समझ नहीं आएगा, तो याकूट जो ऐड आती है दैट इज वो प्रोबायोटिक है, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं फॉर डाइजेशन। उसके बाद हाफ लेमन और एक हिमालयन पिंक सॉल्ट होता है, उसका हाफ टीस्पून। तो ये मेरी अब कुछ टाइम से रिजाइन, मैं इस जस्ट ये दोनों चीज़ें डाइजेशन के लिए हैं, और इसके बाद फिर मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ। ये हम इतना खाना खाते हैं उसे अगर हम छोटे छोटे मील्स में डिवाइड करके खाते हैं या एक बारी में हैवी मील भी खाते हैं, तो भी बॉडी पे लोड पड़ता है। तो डाइजेशन के लिए आई थिंक ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जो यार ये छोटे मील्स कैसे होते हैं? मतलब मैं रनिंग एनवायरनमेंट में मैं नहीं, पहले मेरे लिए बहुत पॉसिबल था कि मैं 6 डब्बे बना के लेके जाऊँ सुबह से शाम बाहर हूँ और खाता रहूँ। और शाम को ना मतलब जब सारे लोग गरम गरम खाना खा रहे होते हैं और मेरा पैक ठंडा मील निकलता है ना, तो मेरे को बड़ा वो लगता था यार। बट हाउ डू यू मैनेज? पैक तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको अपनी मील्स ऑन पॉइंट रखनी है, तो पैकिंग के अलावा आपके पास कोई चॉइस है नहीं। और यस, मैं भी जब कई बार बाहर अपने राइस वगैरह या चिकन लेके जाता हूँ, तो वो ठंडा ही खाना पड़ता है, क्योंकि हर जगह आपके पास माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं होता। इट जस्ट दैट आपको एक मोटिवेशन रखनी है कि आपको अपनी डाइट नहीं खराब होने देनी। जो ये छोटी मील्स वाला कंसेप्ट है, ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आया। एक्चुअली ये कंसेप्ट आया था गेनिंग से, और अब हम इसे यूज करते हैं एज अ फैट लॉस कि आप मील्स को डिवाइड करके खाइए। एक बहुत कोई बहुत पुराना बॉडी बिल्डर है, और उसने एक्चुअली, अब हम एक बार में ज्यादा नहीं खा सकते, तो वो मील्स 6 खाता था दिन की। अब मैं एक बार में ज्यादा तो खा नहीं सकता, हाँ उसको ब्रेक कर लेता था ताकि वो दिन की 4,000, 5,000, 6,000 कैलोरीज खा सके। तो फिर अब उसने करना था कि अब मुझे, अब मैं गेनिंग तो मैंने कर ली, अब मेरे को पतला होना है, तो उसने उन्हीं मील्स को छोटा कर लिया। तो बेसिकली जो है आपकी एक दिन की कैलोरीज ही मैटर करती हैं कि आप एक दिन में कितना खा रहे हो। आप ज्यादा खा रहे हो, मील्स छोटी हैं बड़ी हैं, यस थोड़ा बहुत डाइजेशन पे फर्क तो पड़ेगा अगर आप ज्यादा एकदम से ज्यादा खा लोगे। बट इसमें दो चीजें अमन ने बहुत अच्छी हाईलाइट की हैं जिसको हम बताना चाहते हैं। एक तो ये कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स कितनी है, मतलब है ना
और दूसरा वॉल्यूम ऑफ द मील कितना है। हाँ, इसको हम वॉल्यूम नहीं कहते, इसको हम क्वांटम ऑफ फूड कहते हैं। सो बेसिकली अगर आप कुछ अच्छा भी खा रहे हो, सपोज आप कह रहे हो कि मैं हेल्दी खा रहा हूँ सारा दिन, बट उसकी भी एक लिमिट होती है, आप हेल्दी कितना खा रहे हो। अगर आप हेल्दी बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो अल्टीमेटली आपने वो दिन की उतनी ही कैलोरीज आपकी हो चुकी हैं, तो वो हेल्दी खाना भी इस लाइक उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे अगर मेरी मील्स है, मेरी मील्स इज लाइक ग्रामेज में वो चीज़ें होती हैं, दिन के लाइक 80 ग्राम राइस, वो भी दो बार में डिवाइड किए हुए, दिन का 200 ग्राम चिकन, वो भी दो बार में डिवाइड किया हुआ, और 30 या 40 ग्राम रॉ आटे की रोटी। सो इस तरह की आपको इतनी प्रिसाइज। तो तुमने मील्स मेजरिंग वो छोटा सा वेट वाली मशीन? हाँ, फूड स्केल बिल्कुल रखा हुआ मैंने वो, और मेरी हर चीज रॉ पहले उस पर मैं तोलता हूँ और उसके बाद मैं उसको कुक करता हूँ। तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, छोटा कुकर भी लेके आना पड़ेगा, छोटी बाटी लेके आनी पड़ेगी। तो ऐसी चीज अपना कुक करते हो कि मम्मी कुक करते हैं या आपकी वाइफ कुक करती है? नहीं, द थिंग इज मेरे घर में अब नॉन वेज नहीं बनता, तो वो तो मुझे बाहर मैनेज करना पड़ता है। बट नहीं, मैं खुद नहीं बनाता, मेरी फैमिली से बहुत हेल्प करती है मेरे को। तो मेरे भाभी हैं, वो मेरे को मील्स बना के दे देते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरे डैड का। तुमने करियर एज बॉडी बिल्डिंग जब चूज किया, अब तो अमन को मैं कितने साल से जानता हूँ? 6 साल 2015 से जानते हो? 6 साल हो गए है ना। तो अमन, आई रिमेंबर वी आर सिटिंग राइट हेयर इन दिस जिम, अमन यूज टू कम हेयर एंड आई यूज टू बी हेयर एंड अमन यूज टू कम एंड ट्रेन, और फिर अमन देन यू ज्वाइन द जिम। या इन 2015 आई ज्वाइंड एज अ ट्रेनर एंड देन इन 2017 आई did a partnership with Abhishek Gagneja, obviously everyone know him. So then in 2000 and then 2 saal mein then he became the partner in the gym. 2021 mein Aman became the matlab education mein bhi enter karke into fitness education. Aman, jab aapki family ka kaise support raha hai so far, unko kaise samajhna, matlab unko kaise samjhana pada aapko ki mujhe ki fitness as a career option bhi hum le sakte hain? वो बहुत मुश्किल टाइम था बिकॉज और साथ के तब क्या कर रहे थे? तो में लग रहे थे। हाँ, मेरा ब्रदर, माय ब्रदर इज अ सीए एंड मेरे वाइफ ऑब्वियसली इज इन पुलिस एंड बट अगर हम चलो पुरानी बात करें तो माय मदर वाज अ प्रिंसिपल दैट टाइम, सो माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो अ प्रिंसिपल, माय ग्रैंड फादर लाइक ही वॉज ऑल्सो इन सम एजुकेशन बिजनेस। तो इस तरह का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था, यू नो, स्पोर्ट्स में ज़्यादा और फिटनेस इंडस्ट्री में। सो और मेरा जो प्रोफेशनल में जो एजुकेशन है दैट इज़ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो मेरे मम्मी ने सीधा ही कहा था कि तूने 6 साल हमारे पैसे क्यों खराब किए अगर तूने यही सब करना था। ठीक है, तो अगर तू इंजीनियर बन के तूने ट्रेनर ही बनना था तो इट्स लाइक इतने हमारे टाइम, अपना टाइम खराब किया, हमारे पैसे खराब किए। तो इनिशियली ऑब्वियसली जब आप ऐसा स्विच लेते हो, और उस टाइम मैं आई थिंक 26 ईयर्स का था, तो मेरे साथ के लड़के थे उनकी तो इस लाइक शादियाँ हो रही थी और अच्छे खासे वो 1-2 साल से ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, और मैं अभी ये डिसाइड कर रहा था कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। बड़ा एक मुश्किल डिसीजन था मेरे लिए, बट हाँ मैंने वो डिसीजन लिया इनिशियली ऑब्वियसली बिकॉज जैसे कि मैंने बताया मेरी जो फैमिली है वो टोटली इज़ लाइक सर्विस क्लास, दूर दूर तक, और एकदम पढ़े लिखे लोग टाइप्स हैं वो सारे। तो उनको थोड़ा बड़ा अजीब लगा कि ट्रेनर, तो मेरे मम्मी तो सीधा ही कहते थे कि तेनू कुड़ी कौन दूगा। मुझे नहीं समझ में आता कि वाई प्रोफेशन और ये मैरिज को, मतलब और मैं इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। हाँ, सो आई थिंक सबसे पहला जो मुझे सपोर्ट मिला वो मिला मुझे मेरे ब्रदर से, माय रियल ब्रदर, और ही, यू नो, ही सेड कि ओके तू जाना चाहता है। मैं दिल्ली गया था कोर्सेज करने के लिए, न्यूट्रिशन के और पर्सनल ट्रेनिंग्स के और स्पेशल पॉपुलेशन इस तरह के कोर्सेज करने। तो उसने कहा कि चल चलो मम्मी इसको भेज देते हैं, अभी इसके पास वो थोड़ा गैप होता है ना, जैसे आप जब 2015 में एग्जाम दे देते हो 2-2.5 महीने का एक बफर होता है, जॉब ढूंढते हो, तो चलो कहते हैं एक बार इसको भेज देते हैं, इसको करने तो दो, अभी तो घर में वेला ही बैठा है। तो बस वहाँ से एज सच मेरी जर्नी शुरू हुई, और ये किसी को नहीं पता कि मैं ऑलरेडी, मैं मार्च में कोर्स करने गया था घर वालों को ये बात सारी करके, बट मैं जनवरी में ऑलरेडी दिल्ली जाके एडमिशन ले आया था कोर्स में, और उस टाइम मैं झूठ बोल के गया था घर पे कि मैं जावा की क्लासेस मुझे दिल्ली से करनी है। तो वो एडमिशन के पैसे किसने दिए थे? आई थिंक थोड़े बहुत, क्योंकि वो मैं ऐसे पार्ट पेमेंट्स करी थी, तो 10-15 हज़ार मैं जमा करा के अपनी सीट बुक कराया था उनके पास। कहाँ से कराया 10-15 हज़ार इनिशियल वो सीट मनी कहाँ से आया? वो थोड़ी बहुत फ्रेंड्स ने हेल्प कर दी और थोड़ी बहुत इधर उधर से जोड़ जाड़ के कहीं से, आज भी टच में हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो दो दोस्त मेरे तब भी साथ गए थे एडमिशन कराने मेरी, और आज भी हम साथ हैं।
कॉलेज फ्रेंड्स हमेशा साथ देते हैं, यही तो जज्बा है मन, यही तो जज्बा है। और बस ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद तो मैंने बस एक चीज़ को हमेशा अपना रखा कि मैंने लर्निंग से अपना करियर शुरू किया था। नॉर्मली इस करियर में लोग घुसते हैं जस्ट लाइक कि और कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा या अभी एक साल तक कुछ और नहीं करना, तो ठीक है जिम कर रहे हैं तो लाइक ट्रेनर बन जाते हैं कहीं जाके। इस तरह से आप इस फील्ड में घुसोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो मैंने लर्निंग से ही फील्ड शुरू किया था और मेरी ये हमेशा सोच रहती है कि मैं लर्निंग करता ही आगे बढ़ता जाऊँ। दैट्स वाई मैं एजुकेशन बिजनेस में आ पाया, बिकॉज मैंने लर्निंग नहीं छोड़ी कभी अपनी। कि मैंने पढ़ना, जैसे आप मेरे साथ बात करते हैं, हम बात करते हैं, आप मेरे से चीज़ें पूछते हो कि कई बार सीधा आप फोन ही कर देते हो ना, अमन यार आ दसी आ मैं इदा करना, मेरे सप्लीमेंट मैं कदों खावा। तो उस तरह की नॉलेज तभी आप रख सकते हो अगर आप हमेशा पढ़ते रहते हो। समटाइम्स ना मतलब इतने साल, मुझे भी कितने साल हो गए अमन, आई थिंक 2000, आपको मेरे से भी ज्यादा साल हो चुके हैं वैसे एक्सरसाइज करते हुए। 2004 से मेरा शुरू हुआ, मेरे को 17 ईयर्स हो गए हैं। तो और मैंने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है मेरी, तो आपकी अभी तक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती। मैं आज एक रिवील करता हूँ इनकी कमी क्या है। ये जिम आते हैं रेगुलर, काइंड ऑफ रेगुलर, मतलब 4 दिन हफ्ते में, जो आई थिंक बहुत होता है अगर किसी को बड़ी अच्छी रूटीन पता हो। और इनकी डाइट भी बहुत अच्छी है, बिकॉज ये मुझे अपनी मील्स की पिक्स भी भेजते हैं, ऑमलेट बनाते हैं अच्छा खासा, और टोफू वाला सैलेड, जो आई थिंक मैंने भी कभी इतना अच्छा कुक नहीं किया होगा घर पे। इनकी कमी है इनके वर्कआउट्स में, मैं आज इस शो पे रिवील कर रहा हूँ, इनकी कमी है इनके वर्कआउट्स। और इनके वर्कआउट्स, इनकी जो परफॉर्मेंस और जो इनकी बॉडी चेंज नहीं हो पाती और जो इनका एक रूटीन नहीं बन पाता, दैट्स बिकॉज इनके पास एक रिटर्न रूटीन नहीं है कि ओके मंडे आई डू दिस, ट्यूजडे आई डू दिस। और मैंने शुरू शुरू में कोशिश करी थी बट फिर मैं भी पीछे हट गया था, मैं कहा चलो कोई नहीं खेलने दो। ऑनेस्टली 14 साल के बाद ना, मतलब अभी टोटल 17 साल हो गए हैं, 14 साल के बाद ना आई गॉट फेड अप, फेड अप ऑफ द थिंग्स की मंडे आई एम गोइंग टू डू दिस, ट्यूजडे आई एम गोइंग टू डू दिस। और वो ना एक प्लेटो, आपका ना मेंटल प्लेटो हिट कर जाता है, यू डोंट वॉन्ट, मतलब यू कांट बी स्टार्टिंग अगेन एंड अगेन, दैट्स अ प्रॉब्लम विद मी, मतलब ऑब्वियसली इट इज। एंड देन यू गेट सो एंटेंगल्ड विद लाइफ, बिकॉज आई टेल अमन की यार यू आर सिटिंग हेयर दी होल डे, और हम ये इमेजिन करते हैं कि ये तो जिम में ही बैठते हैं तो इन्हें तो कभी भी एक्सरसाइज कर लेंगे, ऐसा तो होता नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप बिजनेस में आते हो देन योर अदर प्रायोरिटीज गेट अप, ओके रेंट नहीं आ रहा, सेल नहीं हो रही, एग्जैक्टली ब्रेकेज हो रही है, मशीन ब्रेकेज हो रही है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, क्लाइंट कंप्लेन कर रहे हैं, क्लाइंट कंप्लेन ना करें, हम और बिजनेस कैसे बिल्ड करें। फिर पेंडेमिक आ गया है, जिम सबसे पहले जिम बंद कर दिए, सबसे लेट जिम खोले, जिम का भी जिस दिन जिम ओपन हुए थे 5th August आई वॉज हियर, सो आई न्यू, मतलब वही कहा ना रूटीन तो है बट वो वर्कआउट वाला रूटीन मेरा इसलिए शिफ्ट हुआ, मैं अमन से हमेशा कहता हूँ कि मेरी वो रूटीन लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, मतलब वॉट आई यूज टू बी इन 2017-18 3 years योर रूटीन चेंजेस, योर स्लीप पैटर्न चेंज, देन योर सोशल कमिटमेंट चेंज एंड देन योर डाइट फॉल्टर्स। तो नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट बैक, और बहुत सारी ऑडियंस मेरी स्टोरीज और वो फॉलो कर रही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई होप इन द नेक्स्ट अमन इज देयर, इज गाइडिंग मी बहुत अच्छे से, सपोर्ट भी करता है मेरी हर बकवास को भी सुन लेता है, लॉजिक को भी झेल लेता है, बट थोड़ा सा तजुर्बा तो है ही है, उसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आई नो माई बॉडी बेटर राइट नाउ देन एनीबडी एल्स हु नोज माई बॉडी। द जर्नी ऑफ लूजिंग 80 kgs ऑफ वेट आउट ऑफ द बॉडी, आई थिंक आई ब्रोक द माउंटेन देयर एंड आफ्टर दैट आई गॉट रिलैक्स, पर वो कॉन्स्टेंटली मेरे को ना वापस उस झील में, क्योंकि तब जज्बा था यार कि 6 घंटे भी वर्कआउट कर लिया, अब टाइम अलाउ नहीं करता, अब कमिटमेंट्स अलाउ नहीं करती, तो मेरे पास होता ही 1 घंटा है और मैं सोचता मैं क्या करूँ, तो दैट इम्पेशेंस एटीट्यूड एंड दैट इज़ अ मेंटेलिटी ऑफ एवरी वर्किंग बिजनेसमैन बेसिकली, वो हिट करती है, तो इसे हमारे जैसे क्लाइंट्स भी झेलने पड़ते हैं, तो ये तो आई हैड्स ऑफ टू हियर हमारे जैसे बंदों के लॉजिक झेल लेते हैं। व्हेन यू स्पोक अबाउट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ये ट्रेनिंग एक बहुत एक सॉट आफ्टर प्रोफेशन, फिटनेस जो हम जिम्स में आते हैं यार ये ट्रेनर होगा इसकी क्या सैलरी होगी, मतलब वाई द पेरेंट मेंटेलिटी इज ऑल्सो देयर ना, कि जस्ट लाइक कि व्हेन आई
स्टार्टेड माई जर्नी एज अ फिल्म डायरेक्टर एंड देन एज अ फिल्म प्रोड्यूसर, पेरेंट्स को बहुत डर लगता है कि उनका कोई भी उस बैकग्राउंड से नहीं है. मतलब माई माई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर वी हैव ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन एजुकेशन एंड सेम इज़ द केस विद यू. एंड हमारी फैमिली बहुत एजुकेशन बैकग्राउंड से है, मतलब बहुत उन्होंने टीचिंग की है, टीचिंग रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं. तो मतलब सॉर्ट आफ्टर प्रोफेशन क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? एंड वेयर डज द ट्रेनिंग मेंटेलिटी लैक ऑल्सो? ये मैं दो चीज़ों के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ. देखिए, जब हम किसी भी करियर में जाना चाहते हैं, सपोज़ इस करियर को आप एक साइड पर रख लीजिए, ट्रेनिंग को, सपोज़ अब मैंने मास्टर्स करी, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है ज़िंदगी में, या कोई लॉयर बनना चाहता है, आप पहले कितने साल पढ़ते हैं? लाइक अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसने MBBS से ही शुरू करता है, मेडिकल लेता है, ठीक है. अब वो पहले सोचो कितने साल वो पढ़ रहा है, देन वो इंटरव्यू के लिए जाता है, और या देन वो आगे अपनी प्रोफेशन स्टार्ट करता है जहाँ वो अर्न करता है. लेकिन इस प्रोफेशन में उल्टा है, अभी तक तो उल्टा ही चल रहा है कि आप ऐसे ही घुस जाते हो इसमें. जो मतलब यंगस्टर्स हैं, क्योंकि वो एक साल से जिम जा रहे हैं, क्योंकि वो दो साल से जिम जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तीन चार एक्सरसाइजेस के नाम पता लग गए हैं, तो वह लगता है कि हाँ हम ट्रेनर बन सकते हैं. सो वो बस जाते हैं और लाइक हल्का फुल्का उनका कहीं इंटरव्यू होता है, कहीं नहीं भी होता, और नीड हमेशा होती है जिम वालों को ट्रेनर्स की, बिकॉज कोई ज़्यादा लंबी देर टिकता नहीं है. सो वो ऐसे ही इस करियर की शुरुआत ऐसे होती है, लेकिन आप ऐसे ही घुस जाते हो विदाउट लर्निंग, विदाउट एजुकेशन. सो ये एक चीज़ है जो पेरेंट्स को भी लगती है कि अब ये एकदम से कुछ और करके अब इस फील्ड में घुस रहा है ज़ीरो से. और सभी को पता है कि इस फील्ड में कुछ ज़्यादा सैलरीज नहीं है एज अ ट्रेनर. एज अ ट्रेनर अगर आप ट्राई सिटी में हो, तो अगर आप सीनियर ट्रेनर भी हो, तो आप 15,000 आई थिंक 20,000 भी शायद ही कोई जिम दे. जनरल ट्रेनर्स को 9,000 से 10,000 ही मिलता है, ठीक है. हाँ, अगर आपने लर्निंग से शुरुआत की है, अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी रेगुलर रखते हैं, तो आप एक अच्छे पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं. देन इट्स अप टू यू, आप मंथली कितना चार्ज कर सकते हैं, आपने कितने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं अपने ट्रेनर्स को. मैं ऐसे ट्रेनर्स को भी जानता हूँ जो 3 महीने के 50,000 चार्ज करते हैं, 60,000 चार्ज करते हैं. सो दे आर रनिंग इन लैक्स. वो भी ट्रेनर्स ही हैं, वो भी अपने आप को ट्रेनर ही कहते हैं, बट वो लाखों में महीने का कमाते हैं उसी फील्ड से, उसी प्रोफेशन से, जिस प्रोफेशन को इस तरह देखा जाता है कि इसमें पैसा नहीं है, इसमें ग्रोथ नहीं है, इसमें जितना पंजाबी कहते हैं जो टॉर नहीं हैगी, है ना. अगर टॉर तो यार एक ट्रेनर को अपनी बॉडी पे मेंटली, इमोशनली और खुद को भी उस कंडीशन में रखना पड़ता है कि आपके क्लाइंट्स भी. अब आप खुद सोचो, जब मैंने जिम लगाना शुरू किया था तब मेरी एज कितनी रही होगी 2009 में, ठीक है. आज मैं 33 ईयर्स का हूँ 2021 में. सो तब से लेकर अब तक मैंने अपनी फिटनेस मेंटेन रखी, इतने साल पढ़ना नहीं छोड़ा, सेल्फ स्टडी करी, उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा, और जहाँ जहाँ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया. तो इस तरह से अगर आप चलते हैं, तो आई थिंक नाउ माय पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ मी. वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू सर. कि मेरे जो पुराने क्लाइंट्स हैं, आप जैसे आप कह रहे हो, यू नो दैट यू आर प्राउड ऑफ मी. सो और जो आपके साथ के पुराने हैं, वो भी कहते हैं कि अमन नु असी देखे है ना, कितना इन्हें ज्वाइन किया, असी अज ते अच्छी पोजीशन पे है. मैं तो नहीं कहूँगी बहुत बड़ा कोई मैंने काम कर दिया, बट स्टिल अगर आपकी वो एक विजन है ग्रोथ की और उस उन चीज़ों की, तो आपको कोई रोक नहीं सकता. मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जैसे अमन ने स्टार्टिंग में कहा ना कि जब मैं इस फील्ड में आया, तो मुझे सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तेरे नाल व्याह कौन कराऊगा. व्हाट इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ एंड हाउ डिड यू फाइंड योर लाइफ पार्टनर? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी हुई मेरे साथ कि मुझे जिम में ही मेरा लाइफ पार्टनर मिला. और तो और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो मेरे को बहुत इनिशियल ईयर्स में मिल गए थे, तो उन्होंने मेरे को प्रोफेशनली भी सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया, मेरे को हर तरह से जितना हो सकता था. सो शी हैज प्लेड अ वेरी वेरी गुड पार्ट इन इट, माई इन माई करियर. सो इन लाइफ, यस. सो ऐसा नहीं होता, भगवान को ने अगर कुछ देना है तो वो आपको, अगर आप सच्चे हो और सच्चे दिल से उस चीज में घुसे हो, तो वही चीज, वही करियर आपको सब कुछ दे देगा जिंदगी में. आपकी ट्रेनिंग्स ने, आपकी नॉलेज ने, एजुकेशन ने, जो भी है, आपके कितने लोगों की आपने लाइफ चेंज की है, कितने लोग ट्रांसफॉर्म, मतलब ट्रांसफॉर्म में मेरे को ना, मतलब मे बी वी आर इन अ स्टेज वेयर आई मीन
आई थिंक इट्स मोर अबाउट आर इमोशनल एंड आर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमें, मतलब मैं अमन से हमेशा ये डिस्कस करता था कि यार आई मे हैव, मेरा ऑप्टिमम एक वेट होगा, मेरा शायद उससे 5-7 किलो ऊपर ही होगा, बट राइट नाउ आई एम कंफर्टेबल, आई एम डिजीज फ्री, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स एंड आई एम एजाइल, मैं बहुत काम कर रहा हूँ दिन रात, और शायद ये बफर है जो कि मुझे नीडेड होता है बिकॉज मेरी बहुत अनइवन ईटिंग है. तो ये मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है, और फिजिकल तो ऑफकोर्स हर आदमी को अच्छा लगता है कि यार वो अच्छा दिखे, वो अच्छे कपड़े पहने और थोड़े मसल्स भी उसके अच्छे हों. जो फ्लैक्स करना है एक बार जरा, ये देखो, लुक एट फ्लैक्स इन टू द कैमरा मैन. हाँ, ये प्योर मसल है. तो कितने लाइफ आपने हिसाब रखा कि मैंने कितने लोग, नहीं ऐसे तो इतने सालों में देखो, मोटा मोटा भी नहीं ऐसे तो, इट विल बी अ वेरी अजीब सा नंबर, आई डोंट नो, मे बी साल के कितने हो गए, साल के हम कर सकते हैं 200-300 लोगों को शायद मोटिवेट हो जाता इजीली, बिकॉज साल के 300, तो जब से आप यहाँ पे हो जिम में 2015 से, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, हाँ इट्स लाइक 6 ईयर्स, 2,500 लोग. ये इसलिए हो पाता है बिकॉज एज यू नो आई एम विद अल्टीमेट फिटनेस, इट्स अ बिग ब्रांड इन ट्राई सिटी, सो मैं अल्टीमेट फिटनेस का मास्टर ट्रेनर भी हूँ. सो जितने भी अल्टीमेट फिटनेस में ट्रेनर्स हैं, उन सभी को मैं ट्रेन करता हूँ. सो तो मुझे सिर्फ, मेरे पास सिर्फ यही ब्रांच नहीं है जहाँ मैं लोगों की काउंसलिंग्स कर रहा हूँ, मेरे पास अल्टीमेट फिटनेस की सारी ब्रांचेज हैं, तो वहाँ पर भी मैं काउंसलिंग्स करता हूँ. और जैसे आपने मैंटेलिटी की और मोटिवेशन की बात करी और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, अब मैंने हजारों लोगों को ट्रांसफॉर्म, फिजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं किया, बिकॉज फिजिकली, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज अनदर थिंग. अगर मेरे जिम में मेरे पास 200 क्लाइंट्स हैं, तो उन 200 क्लाइंट्स को मैंने फिजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं किया, बट मैंने उनको मेंटली मोटिवेट किया है कि वो एटलीस्ट इतना मोटिवेट रहें कि वो डेली उठ के जिम आ जाए. या जब वो कभी डाउन फील करते हैं कि सर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो ऑफिस में आते हैं, तो उनको इस तरह से बात करनी, उनको मोटिवेट करना कि सर इट विल टेक टाइम, इट टेक्स ईयर्स, उनको समझाना कि ये ग्रोथ कितनी सेलुलर है. मतलब इसलिए कि आप उस सेल को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो जिसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो. हाँ, ठीक है. और आप उसको इतना ग्रो करना चाहते हो कि वो विजुअली दिखना शुरू हो. सो इट विल टेक टाइम, यू नीड पेशेंस. और लोगों की मेंटेलिटी एक शॉर्ट टर्म गोल से हटा के एक लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाना, दैट इज एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको पता है बहुत तरीके से दी जा सकती है. विद इन 3 मंथ्स आप टोटली चेंज कर सकते हो बॉडी. बट एक जो समटाइम्स हमने खुद ने, दोनों ने, मतलब एक हफ्ते में इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है कि मैंने सोचते हैं भाई साहब आपने क्या खा लिया है, क्या की है. तो दैट इज द कैलोरी डेफिसिट, कोई मेंटेन कैलोरीज कोई मैनेज करना है आपने. वो सोचते हैं कि यार हम क्या खा लेते हैं. आई थिंक जब भी कोई डाइट चार्ट होती है ना, मेरा, मुझे लगता है, या जब भी हम कोई मील प्लान बनाते हैं, जैसे मैं भी मील्स बनाता हूँ, मैं ये नहीं सोचता, या जैसे बहुत लोग मुझे पूछते थे, मतलब करियर्स को हमेशा ना कोर रिलेट करके चलना चाहिए. कोई भी पूछते हैं ना कि यार आपने, आप क्या बनाते हो, आप शॉर्ट फिल्म बनाते हो, मैंने कहा हमें बनाता हूँ, तो मैं भी बनाता हूँ. तो मैंने पूछा आपने कितनी बनाई है, 1-2 हम लोग 100+ जा चुके हैं. 100, अब वही बात है ना कि आपने किसी को डाइट प्लान दिया, एक्सरसाइज प्लान दिया, या कैलोरी डेफिसिट प्लान दिया, वो उसे क्या 21वें दिन तक लेके जा सकता है. तभी तो वो 3-4 वीक ट्रांसफॉर्मेशन ना, कभी कभी मैंने नोटिस की है, इट डजंट इम्पैक्ट यू इन द फर्स्ट वीक. इट, पहले तो बॉडी कंफर्टेबल है ना, वो ऑलरेडी उसके पास आ रहा था, एसी मिल रहा था, चीज़ें हो रही थी, एकदम उसको चेंज फील होने में पहले तो 10 दिन लगते हैं. वही 10 दिन में 90% लोग गेम छोड़ के भाग जाते हैं. जब असर पड़ना शुरू होता है ना 3rd हफ्ते में, वो जो वहां तक टिका रहता है ना, वो फैंस के उस पार चला जाता है. बिकॉज रिजल्ट, जब रिजल्ट आते हैं तभी हम मोटिवेटेड रहते हैं ना. वेट पे, इसके वेट स्केल पे वेट कम हो गया, हम मोटिवेट हो जाते हैं. इंच लूज हो गए या इंच गेन कर लिए, जिसने मसल गेन करना है, तो हम मोटिवेट होते हैं. अब प्रॉब्लम इज, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं किसी क्लाइंट से अगर बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ ओके सर आई विल गिव यू डाइट चार्ट एंड यू हैव टू फॉलो इट फॉर 3 मंथ्स, तो जब मेरे मुझे 3 मंथ्स निकलता है, तो उन्हें लगता है कि 3 महीने फॉलो करना पड़ेगा. सो ये मेंटालिटी मैं उनकी कैसे बदलने की कोशिश करता हूँ, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि सर आप 3 मंथ्स भूल जाओ, मैंने आपको एक डाइट चार्ट लिख के दिया, आपने सिर्फ इसे 1 दिन के लिए करना है.
ठीक है, आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैंने इसको एक दिन के लिए, आपने जितना आपसे हो पाएगा आपने उसको फॉलो करना है। सपोज 100% नहीं, आपने उसको 80% फॉलो करा, सिर्फ एक दिन के लिए करना, और आपने वो, आपका वो एक दिन निकल गया। अब आप अगले दिन सुबह उठते हो तो आप ये सोचोगे अब मैंने एक दिन और करना है, तो आप इस लाइक वन डे एट अ टाइम लेके चलो। और कई मुझे क्लाइंट ये कहते हैं कि सर हमसे जितना आपने लिखा है वो तो होगा ही नहीं, आपने ग्रामेज लिख दिया, आप फूड स्केल मैयर कर करके, ये सब तो हमसे नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ मेरे से भी नहीं होता, व्हेन आई राइट माई ओन डाइट चार्ट और समथिंग। सो वो एक बार में फर्स्ट डे पे ऑन पॉइंट मील्स कोई भी नहीं ले सकता, तो आपको सिर्फ स्टार्ट करना होता है। आप स्टार्ट तो कीजिए, आप एटलीस्ट अगर आपने उस डाइट चार्ट की सबसे पहली लाइन ये थी कि आपने सुबह उठ के इट्स लाइक हाफ लेमन एंड रॉक सॉल्ट वाला नमक वाला पानी पीना है, चाहे आप पहले दिन उतना ही करके बाकी सारा दिन खराब कर लीजिए, बट आपकी एक मील या एक चीज स्टार्ट हो गई उस पर स्टिक रही है, देन सेकेंड मील, थर्ड मील, फोर्थ मील। मतलब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करना जरूरी है। तभी वही चीज है अमन, मतलब इफ यू आर नॉट हैप्पी ईटिंग मतलब द डाइट, तो आप कितनी नेवर गो फॉर इट, यू कैन ऑलवेज प्लान अल्टरनेट मील्स। बट मैं वो भी कहता हूँ कि डोंट सेल्फ डॉक्टर, हम इसको इससे रिप्लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं, भगवान ने अगर दोनों चीज सेम ही काम करने के लिए बनाई होती तो दो डिफरेंट टाइप के फूड नहीं होते कि आज मैंने राइस नहीं खाने, मैंने ओट्स खा लेने। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही अलग है, इंसुलिन इम्पैक्ट ही डिफरेंट है दोनों का, वाइट राइस का डिफरेंट है, ओट्स का डिफरेंट है, बिल्कुल एग्स का डिफरेंट है, वे का डिफरेंट है, चिकन का डिफरेंट है, पर टाइम ऑफ डाइजेशन ही टोटल डिफरेंट है क्या आप खा रहे हो। ये चीज़ें अमन ने बहुत अच्छी बोली और मैं तो ऑफकोर्स अपना इनपुट डाल ही देता हूँ। देखो आई एम नॉट एज वेल रेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड एज अमन इज, बट आई ओनली नो वट वर्क्स फॉर मी, मेरे को कौन सा फूड सूट करता है, मुझे किस फूड से डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मिल्क से है मेरे को। अब डाइट में अगर अमन मेरे को मिल्क लिख देगा तो अपने ट्रेनर को या अपने फूड कोच को मुझे बताना पड़ेगा कि यार आई हैव फ्लैटुलेंस इश्यूज विद मिल्क, तो यू गिव मी समथिंग एल्स जिससे मेरा मिल्क का पर्पस मीट होता हो, बट वो 100% शायद ना हो बट क्लोज इनफ फिर देन यू विल पुट की बाई यू ईट कैल्शियम। कोई भी अगर टैबलेट्स यू कैन ईट दैट, कोई भी अच्छा ट्रेनर अगर आप किसी डाइट चार्ट लेते हैं तो पहले वो आपको एक प्रॉपर क्वेश्चनियर भेजता है, उसमें सब कुछ होता है, उसे वो प्रॉपर एक क्वेश्चन में जाएगा आपको। ये वैसे बड़ा कम है, ये क्वेश्चन भेजता ही लोग नई नई चीजें पढ़ेंगे, अमन भेजता है और कोई क्वेश्चनियर मैंने नहीं देखा किसी ने भेजा है। एक क्वेश्चनियर आपको जड़ी बूटी ये खा लो आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपको बहुत कुछ उसमें काफी तरह के क्वेश्चन होते हैं बेसिक। इवन उसमें ये तक पूछा जाता है कि योर फेवरेट वेजिटेबल, योर फेवरेट फ्रूट्स, जो आप चाहें कि हम डाइट चार्ट में ऐड करें, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। ना पढ़ लिया हमने नेट पे कि 2009 में 8 में ना तब नया नया इंटरनेट बूम आया था, मतलब उससे पहले इंटरनेट रिसोर्सेज बड़े कम थे, फिर तो उसमें लिखा आ गया कि एवोकाडो एवोकाडो, एंड आई यूज टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अरे प्रॉब्लम क्या, इंडिया में कहाँ एवोकाडो मिलता है, मतलब और इंडिया में हेल्थ, इंडिया में रोटी खा लो सब्जी खा लो, हमारा हर कंट्री का कस्टम ही बहुत फूड का, बेसिक एग्रेरियन कंट्री है हम लोग, मिल्क डेयरी इतना, पोल्ट्री हमारा कंट्री का डिफरेंट है। अब यहाँ पे लिख दो ट्यूना फिश कहाँ मिलती है, मतलब एक एवरेज इंडियन कैसे खरीदेगा उसे। तो वो चीज़ों को कि आप किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हो, किस पार्ट ऑफ इंडिया में रह रहे हो, आप साउथ इंडिया में रहोगे, आप महाराष्ट्र में रहोगे, आपको बहुत राइस मिलेगा अफोर्डेबल रेट में, तो जो मैक्सिमम लोग फिटनेस गोल्स को मीट कर रहे हैं उन्हें राइस खाना ही पड़ता है, दैट इज़ देयर बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ पे रोटी का कल्चर ही नहीं है। इडली खाओगे आप, कुछ भी खाओगे, हमारे यहाँ पे आई थिंक हम बेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रहते हैं वेयर वी हैव एक्सेस टू राइस ऑल्सो, रोटी ऑल्सो, मक्की आती है हमारे पास, कितना सोर्स ऑफ एनर्जी आता है, प्रोटीन कितना अवेलेबल है हमारे पास, इतनी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, विंटर्स में हम गेनिंग करेंगे, समर्स में हम कटिंग करेंगे। यार ये क्या होता है चक्कर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, विंटर्स में हम गेनिंग करेंगे, हाँ ऐसा ये है, पहले था ये ना एक फीवर चला ये, ये, ये अभी ये अभी भी है कि समर्स में, समर्स फॉर फैट लॉस एंड विंटर्स फॉर गेनिंग, उसका क्योंकि मसला कपड़े का है मुझे लग रहा है कि थके रहोगे तो ठीक है, उसका एक रीजन ये होता है कि इन विंटर्स जैसे कि आपने देखा होगा हम ज्यादा खा पाते हैं, हम अच्छी चीजें जैसे फिश
और चिकन ये सब हम खाया ज्यादा तो खाया जाता है। मेरे लिए तो विंटर साग है एक्चुअली विंटर्स में हम ज्यादा खा पाते हैं और गर्मियों में बिकॉज हमें प्यास ज्यादा लगती है तो ऑटोमेटिकली हमारे शिफ्ट लिक्विड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी लिक्विड शिफ्ट होती है और इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है वेट लॉस करना। वो बनते बनते एक थ्योरी बन गई है कि समर इज फॉर वेट लॉस एंड विंटर्स फॉर गेनिंग। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप विंटर्स में बहुत ज्यादा खाओगे तो मोटे रहोगे। अमन एक चीज मुझे बताओ कि मतलब मैं फॉर द ऑडियंस, एक मिथ है मतलब कि जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि यार तुम जिम मत आया कर तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, ये मिथ है कि ये सच्चाई है? ये कि ये बहुत बड़ा मिथ है और जिम लाइन में जितने भी जिम ओनर्स हैं ट्रेनर्स हैं आई थिंक बहुत कम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाना आता है कि पेरेंट्स को स्पेशली, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर जिम में 13 साल के बच्चे आ रहे हैं, 14 साल के आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ पेरेंट्स अवेयर हैं जिनको पता है, जिनका कुछ कहीं ना कहीं से कुछ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, जिनको पता है कि ऐसे कुछ नहीं होता, बट द थिंग इज ऐसा कुछ भी नहीं है, एक मिथ है कि जिम करने से हाइट रुक जाएगी। जिम करने से हाइट नहीं रुक सकती। देखिए आपके मसल को स्ट्रेचेस मिल रहे हैं मुझे लग रहा है, कितना आपको बॉडी नहीं, आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाइट को, बिकॉज जो हाइट है वो जेनेटिक्स में है, आपके डीएनए में रिटन है, आपके पेरेंट्स पे, अगर आपके पेरेंट्स लंबे हैं आपको लंबे होने से कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट। अगर आपके मम्मा छोटे हैं, अगर आपकी मम्मा पे हाइट चलेगी तो आप छोटे रह जाओगे। अब अगर बाय चांस को इंसिडेंस वो लड़का जिम जाना शुरू हो गया और उसकी हाइट रुक गई तो ऐसा एक डाउट हो जाता है कि शायद जिम जाने की वजह से हाइट रुकी, बट अगर आप फ्रैंको कोलंबो और आर्नोल्ड को जानते हो द ओल्ड टाइम बॉडी बिल्डर्स, तो फ्रैंको शॉर्ट हाइटेड थे और आर्नोल्ड लंबे थे, पर वो एक ही एरा के बॉडी बिल्डर्स हैं। करेक्ट। और उन्होंने ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे शुरू किया है। ट्रेन भी साथ में किया है। अभी आई थिंक फ्रैंको इज नो मोर आई थिंक, सो वो लोग लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स भी रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि फ्रैंको की हाइट वेट ट्रेनिंग की वजह से रुकी तो फिर आर्नोल्ड की भी रुकती, ठीक है, इट्स जस्ट दैट इसके पीछे जो साइंस, एज ऑफ अर्ली जितना मैंने 13-14 इयर्स अभी टीनेज जस्ट स्टार्ट ही हुई थी एंड दे गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू वर्कआउट्स एंड वेट लिफ्टिंग हैवी, पहले तो वेट लिफ्टिंग से उन्होंने शुरू की, एंड ये भी डिफरेंस बताना पहले हम आर्नोल्ड फ्रैंको की बात करी करते हैं। द साइंस इज बिहाइंड ये हाइट रुकने वाली इज कि जब बच्चे छोटे होते हैं ग्रोइंग गियर्स जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, हमारे जॉइंट्स खुलते हैं ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, अब डर ये होता है कि ड्यूरिंग लिफ्टिंग ग्रोथ प्लेट में फ्रैक्चर ना आ जाए फिर हाइट रुक सकती है, बट द मोर रिस्कियर स्पोर्ट्स आर बास्केटबॉल, जो पेरेंट्स बहुत बोलते हैं कि हाँ हमने बास्केटबॉल खेलो हाइट बढ़ेगी, फुटबॉल उससे ज़्यादा रिस्की है जिसमें ग्रोथ प्लेट फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हैं रैदर देन वेट ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पर आपका एक कंट्रोल है कि आपने कितना वेट उठाना और आपने कैपेसिटी ज़्यादा उठा ही नहीं सकते। अब अगर कोई नया लड़का आया वो 2.5-3 किलो से ज़्यादा क्या उठा लेगा, छोटा 13-14 साल का अगर कोई लड़का है, ठीक है, प्रोग्रेसिवली ही आप वेट बढ़ा सकते हो, पर अगर आप बाहर भाग रहे हो तो आप तेज भाग सकते हो, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है बास्केटबॉल के टाइम, यस बास्केटबॉल खेलते टाइम अगर आपने जंप किया आप लैंड हुए और आपकी नी वीक थी वो टूट सकती है, तो उसमें ज्यादा रिस्क है ग्रोथ प्लेट फ्रैक्चर के इस स्पोर्ट से। सो अगर आप कोई भी स्पोर्ट करते हो उससे हाइट कभी भी नहीं रुक सकती, इट ओनली डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स। अमर इज फैट गुड और इज इट बैड? नाउ फैट ये सब दो तरह का है, अहम सवाल है, फैट अच्छी चीज है या बुरी चीज है, क्योंकि फैट सबके पास होता है और दिखाता मैं उसको बॉडी का एफडी बोलता हूं। दिखाता कोई नहीं। हाँ, देखो फैट एक फैट है खाने वाला फैट, ठीक है, एक फैट है जो बॉडी का फैट है, दैट इज एडिपोज टिश्यू इन साइंस। सो एडिपोज टिश्यू ऑब्वियसली नॉट गुड, इसकी भी एक हेल्दी परसेंटेज है फॉर मैन एंड वुमेन, फॉर मैन इट्स 15%, फॉर वुमेन इज 20%, उतना शरीर को चाहिए, 5% वुमेन को बेनिफिट है इसमें। हाँ, बिकॉज उनको कुछ हेल्दी रीजंस की वजह से या अनप्लग्ड है, पी लो, फिर कहते हैं कि दिन में 5 लीटर पानी पीना है, घंटा तो हमारे साथ चला गया तो कहाँ पूरा होगा। सो फॉर फीमेल्स इज 20% फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड फॉर मेल्स इज 15% हेल्दी फैट परसेंटेज। और यस, फैट का एक जो एडिपोज टिश्यू है उसका एक बहुत अहम रोल है हमारी बॉडी में, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर एक फैट की लेयर है जिसे विसरल फैट कहते हैं, वो हमारे ऑर्गन्स को बचा के रखता है फैट एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। सो बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है वहाँ एडिपोज टिश्यू। बट हाँ, जो आप जो जिस फैट की आप बात कर रहे हो लाइक मोटापा बेसिटी, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ऑब्वियसली, वो आपको इट्स लाइक
आप बीमारियां बुला रहे हो अपने, सबसे पहले तो ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी है, देन थायराइड, देन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। सो ये बेसिकली जैसे आप फैट बोल रहे हो, वो वाला फैट, ओबेसिटी वाला फैट अच्छा नहीं होता शरीर के लिए, बट यस देयर इज अ परसेंटेज जितनी बॉडी को जरूरत है। तो जब हम कहते हैं कि हमारा बॉडी फैट परसेंटेज कितना चला गया है, तो 15% आगे बहुत लोग मैंने देखा है कि कंपीटिंग स्टेज में आके 8-9% तक चले जाते हैं, तो उनमें उनका विसरल फैट भी एग्जॉस्ट हो जाता है। विसरल फैट एग्जॉस्ट नहीं हो सकता इतनी जल्दी, ये स्किन पे जो हमारा है ये एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू कहते हैं इसको। हाँ। बिल्कुल, वो हम उसी को टारगेट कर रहे होते हैं, हमें बेसिकली फैट की लेयरें उतारते जानी है, ठीक है, और 8-9% पे जाके जो ऑन नॉर्मली सबके एब्स जिसे हम जो दिखाना चाहते हैं, एब्स विजिबल हो जाते हैं, और बॉडी वापस से उतना फैट क्यों गेन कर लेती है, इसीलिए करती है बिकॉज वो एक 8-9 वाली परसेंटेज बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, बिकॉज उतना लो जाकर आपकी बॉडी के टेस्ट लेवल्स भी डाउन जाने शुरू हो जाते हैं। अगर आप बहुत लो बॉडी फैट परसेंटेज पे जा रहे हो 8 या 9, तो आपकी बॉडी के जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो डाउन जाने शुरू हो जाएंगे, वो ऑप्टिमल नहीं रहते, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल जो एक तरह का फैट है वो बहुत ज़रूरी होता है टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इन बॉडी, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल को हमेशा हम नेगेटिव लाइट में ही देखते हैं, ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़रूरत है, लिवर हमारा प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल, और इसकी एक हेल्दी रेंज है 200 तक, टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट योर बॉडी नीड्स इट। सो फैट का बहुत अच्छा रोल है हमारी बॉडी में, और हेल्दी फैट्स जिसे हम बोलते हैं वो हमें लेने भी चाहिए, और हमें एग योक्स जो सब अवॉइड करते हैं वो भी हमें खाने चाहिए, उसका रीज़न भी यही है, टू बूस्ट आर नेचुरल टेस्ट। फैट डिपॉजिट जैसे मेरा तो एक ही जगह है, द मिड सेक्शन, द लोअर मिड सेक्शन, वेयर सबसे पहले, क्योंकि इसको भी लाइफ स्टाइल की वजह से कहेंगे, बिकॉज सीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इज़ इट ऑल्सो अ रीज़न, या ये मेरा भी वहम ही है कि दैट इज़ द रीज़न कि मेरा फैट डिपॉजिट्स मेरे लोअर मिड सेक्शन में, कि ये एक कॉमन प्लेस है कि फैट डिपॉजिट के भी कोई पैटर्न रहते हैं बॉडी? थोड़े बहुत तो रहते हैं मेल्स फीमेल बॉडी में, लाइक मेल्स के नॉर्मली टमी एरिया में ही आता है, मिड सेक्शन में ही आएगा, लेग्स में आपने कभी कोई मोटा इंसान नहीं देखा होगा। ओबेसिटी इज अनदर लेवल ऑफ यू नो फैट, बट अगर आप जनरल पॉपुलेशन की बात करो तो मेन के अराउंड बेली ही आएगा, फीमेल्स के आप देखो आर्म्स के नीचे भी आएगा, उनकी लेग्स पे भी आएगा, उनके हिप्स के अराउंड भी आता है फैट, सो वो साइड्स पे भी आएगा। रीज़न इज लाइक इट्स लाइक नेचर यू कैन से, और कि वहीं पर ही हमारे फैट आता है, हार्मोनल थिंग, देन अगेन टेस्टोस्टेरोन थिंग, इज इट लाइक कि आई एम लाइक टोटल आउट ऑफ इट, तो मैं इमेजिन करता हूँ कि मतलब आई हैड हैवी लेग्स, when I had massive amount of weight, I had heavy legs, and I had to run, I had to literally burn them out, and then they became really weak, because then I think I burnt around almost every muscle out of it also, and वो रहा है। I mean, मेरे लिए constant motivation की चीज़ क्या रहती है कि you know upper body it starts responding, your weights start responding, it's just that the middle lower body middle fat जो area है ना वो जाते जाते ना मतलब बस करा देता है, मतलब ये तो ये चीज़ तो सभी के साथ है, इवन जो एलीट बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो कंपिटिटिव एथलीट्स होते हैं, उनका भी सबसे एंड में जो फैट जाता है और सबसे पहले जो फैट आता है वो मिड सेक्शन पे आता है। यू कैन सी दिस इज, आप इसको नेचुरल कह सकते हैं, अब इसको क्या कहेंगे, बिकॉज वो बढ़ता ही सबसे पहले वहीं है हमारे फैट, दैट्स द बॉडी, वो बॉडी की टेंडेंसी है, इट्स काइंड ऑफ हमारी वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि वहीं पर ही फैट आएगा, अब इसको आप बियर बेली बोल लो, इसको पॉट बेली बोल लो, जो मर्जी बोल लो। स्टार्टिंग में ना जैसे हम बच्चों को हर चीज खिलाते हैं कि वो बड़े बड़े बड़े, फिर जब वो बढ़ जाते हैं तो फिर हम वो फिर वो कहते हैं घटे घटे घटे, तो ये एक एनाटॉमी है मुझे लग रहा है, एक साइकिल बन जाता है कि स्टार्टिंग में खिला दो, बाद में तो सारे लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, दैट्स अ वेरी लाइफस्टाइल का मसला है सारा। तब तो चलो कोई कंट्रोल भी नहीं रहता ना पेरेंट्स का भी, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है या पिलाना है, तो उस टाइम तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपने बाहर जंक की खाना तो जंक की खाओगे, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स ही पीनी है, अगर आपने हार्ड ड्रिंक्स करने हैं, तो लाइक ये तो रोक, उस टाइम तो रोक नहीं सकता कोई। अमन से ना मैं अभी बात भी कर रहा था, तो अमन ने कहा कि सर मैं ना अपना फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ, इसके अंदर ना मील का अलार्म बज जाएगा, यू मतलब तुम मील के लिए अलार्म्स लगाते हो? मील्स के उठने के लिए लगाता हूँ,
मील्स के लिए अलार्म लगाने पड़ते हैं, बिकॉज जब हमारा शेड्यूल ऐसा है कि काम भी करना है, मील्स भी लेनी है, तो काम करते करते आप भूल जाते हो कि मील का टाइम हो गया। तो काम करते करते आप भूल जाते हो कि आपकी मील का मील का टाइम हो गया है, तो लगाने पड़ते हैं अलार्म कि अब 8 बज गया, अब ये खाना है, अब लाइक अब 12 बज गया, अब ये खाना है, अब 4 बज गया, अब ये खाना है, तो वो लगाने पड़ते हैं। और लोगों को डाइट प्लान्स बना रहे होते हो तो तुम्हें खुद भी लगता है कि नहीं यार ये मेरे को अपनी डाइट में भी इम्प्रूव करना है, कि तुम्हारे को तुम्हारा गोल मालूम है कि मेरे गोल से रिलेटेड क्या मेरे फूड इंटेक जा रही है? मेरा अपना जो गोल है, मुझे इतने साल हो गए हैं इस चीज़ को स्टडी करते हुए, अपनी बॉडी को स्टडी करते हुए, मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे बॉडी के क्या इंजेस्ट करना है, क्या खाना है और क्या कैसे ट्रेन करना है बॉडी को। ऑब्वियसली किसी क्लाइंट को अगर लिख के देना है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उनकी शेड्यूल के अकॉर्डिंग, या उनके जो फूड प्रेफरेंसेज हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन या लैक्टो, वो उसके अकॉर्डिंग उनको लिख के देना पड़ता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बहुत देर से मेरे दिमाग में पीछे यहाँ घूम रहा है, मेरे को आपने बोला कि आप क्या डाल के आ रहे हो, मैंने कहा मैं टी शर्ट डाल के आ रहा हूँ, तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरे से पूछा तो आप भी टी शर्ट डाल के आओगे, तो आप इस तरह तैयार रखा हो जैसे आपकी कॉर्पोरेट मीटिंग है। चक्कर ये है कि पिछले जिसने टी शर्ट भेजी वो मुझे मिली नहीं, जो मुझे सबसे पहले मिली बिकॉज भागने के लिए उन्हें फटाफट चेंज कर ली, तो मैं जिस अटायर में ऑफिस गया हुआ था मैं वहीं से सीधा यहाँ शूटिंग गया है। गुड इनफ, सच्चाई यही है, गुड इनफ। तो ये दिस इज, ये अमन का ऑफिस है और ये, हाँ तो ये कंफर्टेबल अटायर में, और मैं स्टूडियोज में अपना टी शर्ट और मतलब जीन में ही बैठता हूँ, बट आज कुछ थोड़ा काम था तो फिर मैंने कहा इसी में ही चलते हैं, और आज अच्छा लगेगा ना यार एक शो पे बैठ, कंट्रास्ट हो गया ना, कंट्रास्ट। मेरी प्रेजेंस यही है, मैंने इसको यही कहा अमन को कि भाई मेरे को उतनी हेल्थ मेंटेन करनी कि आई कैन जस्ट लुक गुड, समटाइम्स यू लुक गुड एंड ऑल्सो फील कम्फर्टेबल, मैं इतना ड्रैग रश नहीं कर सकता। मैंने और अमन ने ना लास्ट ईयर हमने बहुत डिस्कशन भी की इस पर और एक रिकॉर्डिंग भी हुई थी हमारी, मैं उस चीज़ को दोबारा एक बार लाना चाहता हूँ कि अमन एक टाइम होता है बिकॉज आई हैव मतलब वी हैव मतलब आपके वाइफ भी आपके साथ ट्रेन करते हैं लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन शी इज हियर, ठीक है, एंड आई एम पीसीओडी के इश्यूज रहते हैं, मेंस्ट्रुएशन के इश्यूज रहते हैं, तो जब पीरियड्स के वो 4-5 दिन आए होते हैं तो फीमेल बॉडी वर्कआउट को कैसे रिएक्ट करती हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, या हाउ डिफरेंट डज फीमेल बॉडी रिएक्ट टू एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, कैसा रहता है? दो चीज़ें आपने मेरे से पूछी, एक जिन फीमेल्स को पीसीओडी पीसीओएस होता है उनको क्या दिक्कत आती है, और एक जो एक मंथली साइकिल रहता है फीमेल्स का उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। सो जो पीसीओडी पीसीओएस है वो एक लाइफस्टाइल काइंड ऑफ डिसऑर्डर है, वो कोई ऐसा बीमारी नहीं है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म आओ जो होती है दैट इज़ पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़, और अगर आप इवन किसी गायनी के पास भी जाते हैं, हमारे पास भी क्लाइंट्स हैं फीमेल्स हैं जिनको इश्यूज़ हैं, यंग फीमेल्स, और तो उन्हें डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कीजिए, हेल्दी खाना शुरू कीजिए और जिम जाना शुरू कीजिए, इसकी कोई मेडिसिन नहीं। और जो मंथली साइकिल जो है फीमेल्स का उसमें ये है कि दैट इज़ टोटली पर्सनल, वो एक उस इंडिविजुअल फीमेल की एक पर्सनल चॉइस है कि इन दैट यू नो 3 or 4 डेज उनको वर्कआउट करना है या नहीं करना। सो आई हैव सीन फीमेल्स जो उस टाइम पे वर्कआउट करती हैं और आई हैव सीन फीमेल्स जो अवॉइड करती हैं। सो पर्सनली अगर if any female asks me that she should do it or not, so मैं उसे ये recommend करूँगा कि आपका ये आपकी एक personal choice है, but अगर आप करना चाहते हो so I can help you कि आपको उस दिन कैसा workout करना है। Correct. कि आप उस दिन क्या चीज़ें करो और क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, क्या मोटा मोटा क्या करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। Obviously, या अवॉइड करना चाहिए। वेरी बेसिक, आप एबडोमिनल ट्रेन मत कीजिए। करेक्ट। आप जितना वर्कआउट हो सकता है बैठ के कीजिए। बैठ के कीजिए, करेक्ट, ठीक है। सो बैठ के आप ऑलमोस्ट काफी कुछ ट्रेन कर सकते हो। yes, आप इवन लेग्स भी हम लाइक एक्सटेंशन लाइक कर्ल्स, हाँ वो हीरोइंग हो सकती है, आप बहुत, तो इट्स लाइक जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 डेज। अगर आपका वो मेंटल ब्लॉक नहीं है कि वो 2-3 दिन में तो मेरी बॉडी को पता नहीं क्या हो जाएगा, सो तो आप बहुत उन दिनों में भी आप ट्रेन कर सकते हो। अमन मैंने ना ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है,
मतलब ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है, ऑब्जर्वेशन रही है. समटाइम्स व्हेन आई नो बिकॉज ऑफ हमारे बहुत फीमेल्स इंडिया से स्पोर्ट्स में जा रही हैं, रेसलिंग में जा रही हैं, हैं मतलब यू सीन ओलंपिक्स, यू सीन लॉट ऑफ वीमेन कमिंग अप टू द जिम्स. जो परफॉर्मेंस रिलेटेड गेम्स में हैं, मतलब ना क्रिकेट में है या कहीं भी, आई ऑलवेज वंडर्ड कि वॉट इफ टूडे इज द मैच एंड टूडे इज हर इज द टाइम वेन द the periods start. So how is she performing? I mean, she has to bat also, she has to ball also, she has to play the badminton, and the intensity also has to be maintained. So is it more psychological, or I think power of the mind is more higher that day. You know, देखो आप अगर इस उस लेवल पे जाके बात कर रहे हो कि यू नो वो एक नेशनल लेवल पे कि प्लेयर है, वो एक इंटरनेशनल हाँ, तो वो ये वाला मेंटल ब्लॉक वो ब्रेक कर चुके होते हैं प्लेयर्स, और हो सकता है उस दिन ठीक है सिलेक्शन नहीं हो उनके साथ. ये वाली चीज उस लेवल पे होने से जहां तक वो अब सपोज अब वो नेशनल लेवल या इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हैं, उससे पहले उनको ये चीज बहुत बार फेस कर चुके होते हैं बहुत लेवल्स पे. सो वो सीख चुके होते हैं कि उस टाइम पे हमने इस चीज से कैसे कोप अप करना है. सो कुछ मेडिकेशंस भी आती हैं, आप थोड़ा डिले कर सकते हो, ऐसा होता है पीरियड्स को आप थोड़ा आगे कर सकते हो पीछे का. हाँ तो मेडिकेशंस भी हैं कुछ, आप आगे थोड़ी सी शिफ्ट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट हेल्दी. मैंने ना बहुत सारी फीमेल्स स्टेज पे देखी हैं टोटली रिप्ड, मतलब ऐसे एब्स, ओब्लीक्स, थाइस वेल बिल्ट, आर्म्स, मतलब उतनी बल्क या मेजोरिटी फीमेल बॉडी में मैंने नहीं देखी. ऑफकोर्स बिकॉज द हार्मोन हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन इट, बट दे रियली वर्क हार्ड. एंड स्टेज पे मैंने वही सोचा कि उस दिन परफॉर्मिंग डे पे भी दे कैन ऑल्टर देयर साइकिल और डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज दैट डे तो यू एक्चुअली नीड अ लॉट ऑफ ब्लड फ्लो एंड टू फ्लेक्स एंड टू पोज टू डू एवरीथिंग. नाउ आई थिंक इसके लिए आपको एक फीमेल एथलीट से ही जानना पड़ेगा कि उनको, मतलब मैं इतना एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ कि मैं एक्चुअली एक फीमेल बॉडी के बारे में. बहुत गेम में दे पुट एंड आई हैव रियली सीन वुमेन कमिंग एंड ट्रेनिंग रियली इंटेंस, रियली हार्ड एंड हैवी हियर इन द जिम आल्सो. वो चीज एक बहुत है जो फीमेल्स इस फील्ड को चुनती हैं, स्पेशली जो बॉडी बिल्डिंग को चुनती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने उस लेवल पे जाके कम्पीट करना है तो जैसा कि आपने कहा हार्मोन्स हैज वेरी बिग रोल टू प्ले, और ऑब्वियसली दे हैव टू टेक इंजेक्शंस एंड ऑल. सो टोटली ड्रास्टिकली जो एक फीमेल बॉडी कभी नेचुरली कर ही नहीं सकती, दे डू इट विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स. सो उस लेवल तक और स्टीरॉयड्स और ड्रग्स, ये तीन अलग चीजें होंगी. परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स पीईडीज, सो वो एक मेंटेलिटी वहां तक लेके जानी, इट्स लाइक हैट्स ऑफ जो वहां तक जाके फीमेल्स कंपीट करती हैं. करेक्ट. यू गोना टेल मी वन थिंग दैट यू हैव नोटिस्ड अबाउट माय बॉडी ओवर द इयर्स, ओवर द लास्ट 6 इयर्स. आई एम गोना टेल यू अबाउट योर बॉडी ओवर द लास्ट 6 इयर्स. तो कहां से शुरू करें? यू गोइंग टू टेल मी फर्स्ट? मैं बताता हूं आपको. यू टेल मी फर्स्ट, यू कैन टेल अबाउट. आई थिंक जो सबसे मुश्किल चीज बॉडी बिल्डिंग की या फिटनेस की होती है, दैट इज आप गेन भी कर सकते हो इफ यू वांट टू गेन 5 केजीज और 10 केजीज, और आप लूज भी कर सकते हो इफ यू वांट टू लूज 5 टू 10 केजीज और 20 केजीज. बट द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू मेंटेन इट, टू मेंटेन दैट वेट, टू मेंटेन दैट मसल मास ऑन योर बॉडी. सो मैंने ओजस्वी में ये चीज देखी है कि इतने सालों से वो जिम आ रहे हैं और इतनी बिजी शेड्यूल और नाइट शिफ्ट्स और हर तरह की जिंदगी, जितनी भी दुनिया में कॉफीज बनी हैं सारी इन्होंने पी हैं, ठीक है. और मैंने बहुत बार मना भी कर चुका हूँ बिकॉज उनके एक्चुअली उनके दांतों में दिखना शुरू हो जाती है वो कॉफी. फिर मैंने स्केलिंग करा ली थी तो बट मेन मेरे जो कहने का मतलब है दैट इज इन्होंने अपने आप को मेंटेन रखने की जो एक कोशिश, एक सच्ची कोशिश होती है, उसमें ये मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं कि जहां मर्जी से टाइम निकाल के और आधे पौने घंटे के लिए, या ये मुझे फोन करते हैं कई बार, हम आज कितने बजे जिम खुलेगा, मैं 4 बजे आ जाऊंगा, सुबह कितने बजे खुलता है, तो वो एक हमेशा दिमाग में फिटनेस को लेके एक रहना कि मुझे फिट रहना है, मुझे फिट रहना है. मैं अगर 5 दिन जिम नहीं भी गया हूं बट स्टिल यू आर थिंकिंग यू वॉन्ट टू गो टू जिम, आई थिंक वो एक बेस्ट
थिंग है आपके अंदर जो आपको शायद मेंटेन रखने में एक फिजिक को हेल्प कर रही है, और उसे आप कहीं मत जाने दीजिएगा, नहीं तो आप फूल जाएंगे। नहीं मैं फूल रहा हूं, मुझे चाहिए कि नहीं फूल गए हो, बिकॉज आप लेटली आप आ नहीं रहे हो जिम, थोड़ा ज्यादा इरेगुलर हो गए हो। हाँ मेरे शूटिंग शेड्यूल्स थोड़े थोड़ा ना अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट पे जाना, और व्हेन लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑन स्टेक, देन हैंडलिंग द स्क्रू अप्स, चेंजिंग लोकेशंस, बहुत चीज़ें रहती हैं कि मेरा एक डेढ़ दो महीने, एंड देन व्हेन यू आर आउटडोर्स आप विलेजेस में शूट कर रहे हो तो वो सिक्स मील डाइट वो नहीं बन पाती, वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो देन मैं कॉफ़ी ज़रूर कैरी कर लेता हूँ कि हाँ ठीक है थोड़ा मेटाबॉलिज्म चलता रहे ब्रेन, बिकॉज ना वहाँ पे समटाइम्स आपके वर्क एनवायरमेंट में ना पूरे शरीर में ना ये सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है, दिस इज़ लाइक ओवरक्लॉक्ड सिचुएशन, प्रोसेसर को समझे ना, तो दिस इज ओवरक्लॉकिंग पे चल रहा होता है, बिकॉज यू आर हैंडलिंग एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, एन नंबर ऑफ पीपल, डेट्स को एक्टर टाइम पे नहीं आ रहा है, कोई बीमारी पड़ के शूटिंग एडिट के, तो एवरीथिंग गोज ए वायर। तो समटाइम्स व्हेन आई कम टू द जिम तो मेरे को ना वो होता है कि इट इज़ अ मोर थेरापेटिक टाइम फॉर मी, मतलब मुझे आके अगर अमन बोलेंगे ना कि आज अब आपने ये लगाना, ये लगाना है, समटाइम्स आई जस्ट कम, आई हैव म्यूजिक इन माई ईयर्स एंड आई एम जस्ट साइकिलिंग फॉर 40 मिनट्स। एक दिन मैंने आके आई थिंक 3 घंटे बंद जिम में भी 4 घंटे ट्रेडमिल किया था, और जो रिकॉर्ड बना रहे थे हाँ, वो मैराथन के लिए हाँ, तो 21 किलोमीटर्स आई डिड इट ऑन द, तो वो एक होता है कि यू नो कि यू आर लाइक फेड अप, अभी बारिश हो रही है आप आउटडोर रन के लिए नहीं जा रहे, या कुछ हो रहा है, ट्रैफिक है बाहर, यहाँ आता हूँ एक वाइब मिलती है और एक चेंज मिलता है। समटाइम्स आई कम एंड डू जस्ट वन एक्सरसाइज एंड डू 30 सेट्स ऑफ इट, इवन इफ वो मेरे को असर करे या ना करे, मैं एक दिमाग में बना के आया हूँ ओके माई चेस्ट इज राइट नाउ नॉट इन गुड शेप, मुझे जाना है, मुझे इंक्लाइन डंबल प्रेस एंड मे बी आई डू 30 सेट्स में केबल फ्लाइज, ये इसको क्या कहते हैं, मैं एक्सरसाइज का नाम ही गलत ना बोलूँ, केबल क्रॉस हाँ, मुझे एक्सरसाइज का नाम गलत बोलना बहुत बुरा लगता है, इंसल्टिंग लगता है अपने 17 साल पे, केबल क्रॉस पे मतलब आई दैट डे में आया, अमित खड़ा हुआ था, कह रहा सर आप पिछले ना आधे घंटे से केबल क्रॉस ही लगा रहे हो, कितने सेट लगाए, मैंने कहा आई थिंक आई हैव डन 30 सेट्स एंड आई स्टॉप काउंटिंग इट, बिकॉज टिल आई नो वो ना एक हैमर तोड़ते रहो एक मेंटल ब्लॉक होता है आपका, और ये भी बैठा सोच रहा होगा आज ये या तो मेरी मशीन ही खराब करके जाएंगे कुछ भी, बट ये बर्दाश्त कर लेते, समटाइम्स लैट पुल डाउन्स के ही मैं 30 सेट्स लगा जाता हूँ, तो और मेरे को अगले दिन अगर मेरे किए का असर नहीं फील होता तो आई फील कि मैंने नहीं काम किया, सो वो या बैठ के मेरी बस हो गई होती है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू कम हियर एंड डू लॉट ऑफ लेग प्रेसेस इन अ डे, कि मेरा पिछले 2-3 दिन कैसे निकले हैं, और फिर मैं कोशिश करता हूँ आके मैं ऐसा एक वर्कआउट लगाऊं जिससे मेरी टोटल बॉडी, मतलब फुल बॉडी वर्कआउट्स में मेरे ज़्यादा फोकस रहते हैं, बॉडी बिल्डिंग अब मेरा फोकस ही नहीं रहा, अब मेरा फोकस रहा है कि मुझे टोनिंग कितनी रखनी है, कंडीशनिंग कैसे रखनी है। अमन के बारे में बताता हूँ, अमन मोर और लेस मुझे 6 साल में इन टर्म्स ऑफ द साइज, हिज साइज, इस मसल, इसकी ना मसल मेच्योरिटी में बहुत फ़र्क पड़ा है, अमन कैन नाउ ईजीली ट्रांसफॉर्म हिज बॉडी इन अ मंथ्स टाइम, ही विल स्टार्ट वर्किंग आउट एंड इन 4 वीक्स यू विल सी डैम इट, ये जो काम मेरे 2 साल में हुआ था ये अमन ने 4 हफ्ते में कर दिया, तो जो इसकी मसल मेमोरी है, मसल मेच्योरिटी है, क्योंकि आई हैव नॉट सीन कि भाई अमन हैज़ ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म्ड, इसकी आर्म में 4 इंच का फ़र्क पड़ गया होगा, मतलब लेग्स में 4 इंच का, हिज ग्रेजुअल वेट कैपेसिटी लिफ्टिंग द वेट दैट हैज ग्रोन, क्योंकि अमन बहुत कैलकुलेटेड प्रोग्रामिंग करता है अपनी बॉडी में, तो अमन मोटा मोटा बताना यार कि बॉडी बिल्डिंग में और वेट लिफ्टिंग में और पावर लिफ्टिंग, ये 3 चीज़ें हैं, एंड वो एक मॉडल का भी शुरू हुआ है ना, क्या कहते हैं, एक फिटनेस मॉडल बनना है, वो उसके लिए अलग से लोग कुछ टर्म शुरू की हुई है, वो फिजिक एथलीट्स कहते हैं हमने आपको, फिजिक एथलीट्स हाँ, फिजिक एथलीट्स, इन चारों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली बॉडी बिल्डिंग जो हम लोग जिम में करते हैं, जनरली जिम में हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जहां हम अपने मसल्स को ग्रो करते हैं एक सिमेट्री में, एक प्रोपोर्शन में, वहां वेट लिफ्टिंग की तरफ ध्यान नहीं होता हमारा कि हमने भार कितना उठाना है,
फिर अगर हम पावर लिफ्टिंग की बात करते हैं, पावर लिफ्टिंग में सिर्फ तीन मूवमेंट्स हम ट्रेन करते हैं, दैट इज स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट। ठीक है, और फिर अगर हम आ जाते हैं वेट लिफ्टिंग पे, वेट लिफ्टिंग में जो ओलंपिक्स में होती है वो होता है ना स्नैच एंड जर्क एंड क्लीन एंड प्रेस, ये सब, ये दिस इज योर वेट लिफ्टिंग। सो बॉडी सब में बनेगी, स्ट्रेंथ सब में आएगी। और मैंने ऐसे वेट लिफ्टर्स भी देखे हैं जो बिल्कुल रिप्ड हैं, मैंने ऐसे वेट लिफ्टर्स भी देखे हैं जो बहुत मोटे हैं, वो उनकी पर्सनल प्रेफरेंस है टोटली, कि वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर यू नो डाइट, उनका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है। अगर वो बहुत ज़्यादा आई थिंक जो पुराने अगर आप वेट लिफ्टर्स देखोगे तो उनका एक गोल रहता है कि कैलोरीज खानी है सारा दिन, लाइक आई थिंक 10,000 कैलोरी एक दिन में खानी है, तो मोटे रहना है ना। सो बेसिकली इतनी मैसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और मोटे रहने का एक और भी बेनिफिट होता है, आपके जॉइंट्स थोड़े सेफ रहते हैं। और ये जो फिजिक मॉडल ये क्या है, ये तो जो हमारे ओलंपिया होता है हर साल यूएस में, उसकी एक कैटेगरी है, एक फिजिक कैटेगरी होती है, एक क्लासिक फिजिक होती है, बहुत लीन होते हैं और उनके हाँ, वो लीन, होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल ही, मतलब दे डोंट पुट ऑन पैक ऑन साइज, वो एक कैटेगरी है, वहां पर एक अलग तरह की पोजिंग की जाती है, जैसे क्लासिक फिजिक में अलग तरह की पोजिंग होती है, जो फिजिक एथलीट्स होते हैं वो अलग तरह की पोजिंग करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके मैंडेटरी कुछ पोजेज रहते हैं, बस उन्होंने वही देने होते हैं। सो कुछ ये डिफरेंसेस हैं, और इनके जो बॉडी प्रोपोर्शंस हैं, इनकी जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, बहुत अलग रहता है। बॉडी बिल्डिंग में जो अगर आप जाओगे तो वहाँ पर हाइट नहीं देखी जाती, बट अगर आप फिजिक वाली कैटेगरी में खेलते हो वहाँ हाइट देखी जाती है सिलेक्ट करने के लिए आपको, हाइट एंड वेट रेशो। सो ये कुछ की डिफरेंसेज हैं। Personally, are you a fan of outdoor training or indoor training? Indoor training, obviously. तभी मैंने इतने साल तक कर ली, क्योंकि अगर मैं आउटडोर होता तो शायद मैं अब तक बोर हो चुका होता। मैंने आउटडोर ट्रेनिंग करने वालों में ना, मतलब इंडिया में, मतलब लार्जली, मतलब keep aside the अखाड़ा कल्चर, मतलब that's again a very environment controlled environment, जहाँ पे वो है, वो हमारा एक रॉ पावर का एक गढ़ है ना खाड़ा कल्चर, जहाँ पे न्यूट्रिशन भी वैसी की कोच भी वैसी होती है, हमारे डेरी एंड जो हमारी नेचुरल ग्रोन फूड पे ज़्यादा फोकस रहता है, एंड रॉ फूड पे भी बहुत फोकस रहता है। एंड तो पर्सनली मैं भी इंडोर ट्रेनिंग का ही फैन हूँ, एंड मैंने आउटडोर ट्रेनिंग वाले जो लोग बहुत स्पोर्टी होते हैं उनकी बॉडी में मैंने एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं नोटिस किया है। वाई इज इट सो, क्योंकि हम एक मसल टू मसल वर्क करते हैं इसलिए है, या आई सीन पीपल रनिंग एंड मैराथोनिंग बट आई डोंट सी देम सो रिप्ड एंड सो समटाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क हो गई है, यू सीन विद देम विद द आर्म्स एंड विद द शोल्डर्स एंड विद प्रोपोर्शन। अगर आप किसी भी ऐसे, जैसे आपने भी बहुत मैसिव फैट लॉस किया है, तो अगर आप किसी भी ऐसे इंसान से मिलेंगे उससे पूछेंगे कि आपने फैट लॉस के लिए क्या किया, तो वो पक्का आपको बोलेगा कि मैंने रनिंग करी। बहुत चांसेस हैं वो आपको ये बोलेगा कि मैंने रनिंग करी। सो अगर आपने, आपका गोल सिर्फ पतले होना है, लाइक आपको स्ट्रेंथ से, आपको प्रोपोर्शनेट बिल्डिंग से, आपको उससे इतना मतलब नहीं है, आपने सिर्फ अगर पतले होना है तो ठीक है, आप ट्रैक पे जाइए, रनिंग कीजिए, न्यूट्रिशन को कंट्रोल कीजिए, आप पतले हो जाएंगे। बट उससे आगे क्या, जैसे आप बोल रहे हो कि आपने कोई मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखी, अब आप बाहर ज्यादा से ज्यादा धीरे भाग लोगे या तेज भाग लोगे ट्रैक पे, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो? विदाउट एनी इक्विपमेंट आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने शुरुआत करी धीरे भागने से, फिर आपका दिल किया मैं स्प्रिंट्स लगाऊं, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में मसल मास थोड़ा इंक्रीज हो जाए, बिकॉज जो स्प्रिंट्स होती है वो भी एक एनारोबिक एक्टिविटी होती है। आप 10 सेकंड के लिए भागते हो तो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी चेंज हो जाता है, एनारोबिक सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी का यूज होता है, तो आप में मसल मास इंक्रीज हो सकता है, बट नॉट एट दैट लेवल जो आप जिम में कर सकते हो। जिम में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो सकती है? बिकॉज जिम में आप रनिंग भी कर सकते हो, जिम में आप एब्स भी ट्रेन कर सकते हो, जिम में आप एक प्रोग्रेसिवली ओवर ट्रेन कर सकते हो बॉडी को। लाइक आप पहले दिन जिम में आए, आपने 5 kg डंबल उठाया, आपने 2 हफ्ते बाद 10 kg कर लिया, आपने उसके 2 हफ्ते बाद 15 kg कर लिया, आप प्रोग्रेसिवली 40 kg तक जा सकते हो इन एनी गिवन एक्सरसाइज, लाइक इन डंबल प्रेस और समथिंग। सो आप प्रोग्रेसिवली काफ़ी टाइम तक ग्रो कर सकते हो एक जिम में, और बहुत कुछ कर सकते हो जिम के अंदर, और अपनी पूरी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बाहर आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बट फिर वो अगर आपका एक मन भर गया है कि हाँ मैं लीन तो हो गया हूँ बट अब मैं थोड़ा बल्क करना, तो आपको जिम आना पड़ेगा। आप बाहर बल्क नहीं कर सकते, क्योंकि आप बॉडी वेट से कितना बल्क कर लो? गेनिंग वेट इज इजी या लूजिंग वेट इज इजी? लूजिंग वेट इज इजी।
ये लाइन चलाई जाए, ये लाइन बार बार प्रोमो में चलाई जाए. लूजिंग वेट इज वेरी इजी पर्सनली. जो मैंने इतने सालों में, बिकॉज योर बॉडी चेंजेस, जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी तब मैं लाइक टीनेज में था, अब मैं इट्स लाइक आई एम 33. सो बॉडी आपकी चेंज होती है. आप जितना मर्जी फिटनेस में रह लो, आप जो मर्जी कर लीजिए, जितना मर्जी अच्छा खा लीजिए, पर जो एक बॉडी ने एक शिफ्ट लेना है, हार्मोन्स ने एक चेंज लेना है, वो होगा ही होगा. आप उसको स्लो डाउन कर सकते हो, उसको स्टॉप नहीं कर सकते जो आपके एक हार्मोनल शिफ्ट आनी है. सो मैंने भी देखा, मेरी जो बॉडी की टेंडेंसी थी इन टीनेज, मैं जो मर्जी खाऊं, मैं परांठे खाऊं, मैं आलू खाऊं, मैं लाइक हम मैगियां खाते हैं, सॉस पे गेड़ा देते हैं, पकौड़े सब कुछ खाते हैं बचपन में, तो मेरे को, मैं मोटा नहीं होता था कभी, मेरी वेस्ट लाइन कभी ग्रो नहीं होती थी. लेकिन अब मुझे ध्यान रखना पड़ता है, अगर मैं हल्का सा भी ऑफ जाता हूँ, मुझे एकदम से महसूस होता है कि वेस्ट लाइन बढ़ रही है. नहीं, वेस्ट लाइन बढ़नी कैसे महसूस होती है? डू यू फील हैवीनेस, लेथार्जिक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई सिम्टम नहीं आता मुझे, क्योंकि मैं कोई ऐसे एकदम से कोई बहुत मोटा नहीं हो रहा, मेरी वेस्ट कोई 38 नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं होता. मतलब मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं एक साल तक डाइट फॉलो ना करूँ तो मेरी वेस्ट 2 या 3 इंच बढ़ती है बस. सो उसमें मुझे कुछ लेथार्जी फील होती, बिकॉज मैं ऑब्वियसली मैं वेटरिंग नहीं छोड़ता, मैं अपनी डेली कार्डियो 15-20 मिनट का वो नहीं छोड़ता, बट क्योंकि मेरी एक हैबिट है डेली अपने आप को शीशे में सुबह उठ के देखने की, तो मुझे वो देख के पता लग जाता है और मैं मेजर जरूर करता हूँ अपने आप को, तो वो अगर आधा इंच भी मेरा वेस्ट बड़ी होती है तो मुझे वो पता लग जाती है कि अब मेरी वेस्ट आधा इंच बढ़ गई है, अब मुझे डाइट करनी है, ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करनी है. और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वेट फैट लॉस करना इज ईजी, बिकॉज आप कभी मसल गेन करके देखिए, वेट गेनिंग इज अ डिफरेंट थिंग. आप कभी मसल गेन करके देखिए, वो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की स्पोर्ट होती है. सिर्फ वेट कम करना इज वेरी इजी, वेरी इजी. मतलब मैं आके भी ना, जब शोल्डर के रोटेटर्स के लिए स्ट्रेचिंग करता रहता हूँ, मेरे को मतलब एक पॉइंट के बाद लगता है 5 मिनट तक, जब तक मेरे शोल्डर्स हीट नहीं हुए ना, मैं लिफ्ट भी नहीं कर सकता. होता है ना समटाइम्स, जब हम लिखते हैं ना कि गेनिंग, तो लोगों को लगता है गेनिंग क्या होता है, क्या होता है गेनिंग? मतलब वेट गेनिंग, लोग सोचते हैं वेट गेनिंग. नाउ इफ यू वांट टू जस्ट टू गेन वेट, जस्ट नीड टू ऐड कैलोरीज इन योर डाइट. प्रोग्रेसिवली आप ऐड करते जाइए, वेट बढ़ता जाएगा स्केल पे. बट व्हेन यू वांट टू गेन मसल, तो वो बहुत डिफिकल्ट है. उसमें जैसे मैंने आपको बोला कि मैं दिन की 30 ग्राम आटे की रोटी खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग 80 ग्राम ऑफ राइस एंड 120 ग्राम ऑफ एप्पल, और इस तरह की डाइट जब आपको लेनी पड़ती है, दैट इज एक्चुअली व्हेन यू ओनली वांट टू गेन मसल मास, यू डोंट वांट एक्स्ट्रा किलोज, यू डोंट वांट एक्स्ट्रा फैट ऑन योर बॉडी. राइट, तो गेनिंग का वर्ड जब हम यूज करते हैं, मतलब हम जो लोग रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, तो हम लोग बात करते हैं एडिंग मसल मास, एंड दैट इज हमारे मसल टिश्यूज की ग्रोथ कराना. हाइपरट्रॉफी इज द वर्ड वी यूज, हाइपरट्रॉफी इज द वर्ड. अमन, जैसे कि जब हम बहुत पहले हैवी होते हैं, वी हैव लॉट ऑफ वेट, क्या, चलो हम मोटे होते हैं, लेट्स पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, और उसके बाद या हमने बहुत मसल भी पैक किया हुआ, तो भी हमारी बॉडी का वॉल्यूम हैवी होता है, तो आपको एक मस्कुलर बॉडी और एक मोटी बॉडी को देख के पता लग जाता है. उसमें जो आँखों को नहीं दिख सकता, उसको क्या रख के फायदा है ना. तो हमारी बॉडी इस पूरे प्रोसेस में, मेरे ऑब्जर्वेशन रही है, बिकॉज आई हैव बीन इन बोथ बॉडी फॉर्म्स, स्किन भी बढ़ाती है, स्किन बढ़ेगी तभी तो उसके अंदर मसल डलेगा और हमारा वेट कम होता है, तो और या जब हमारा मसल मास ड्रॉप होता है, बहुत ही केसेस में, जब अगर हम नहीं मेंटेन कर पाते फिटनेस, तो हमारी स्किन का वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, कि जैसे ये स्किन है, जैसे तुम्हारी एकदम क्लिंग डाउन टू द मसल है, मेरी स्किन है इट माइट बी लूज, इट इज लूज दो बिकॉज, हाँ, तो इसका क्या रीजन है? रीजन होता है, इट्स लाइक कि सपोज आप लाइक द बलून थ्योरी, गुब्बारा होता है ना, उसके अंदर हवा भर दो और फिर इसको छोड़ दो, तो द स्किन, जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी आल्सो वुमेन को रहती है, आप चाहे बहुत ज्यादा वेट गेन करो एकदम से, चाहे आप बहुत ज्यादा मसल मास गेन करो एकदम से इज नॉट लाइक ओवरनाइट, मतलब इट्स लाइक रैपिडली जल्दी गेन कर रहे हो बहुत ज्यादा फैट, या जल्दी मसल मास गेन कर रहे हो. अब मेरी बॉडी पे भी स्ट्रेच मार्क्स हैं, यहाँ हैं लोअर बैक पे हैं, बिकॉज ओवर द टाइम कई बार स्किन अकोमोडेट नहीं कर पाती ग्रोथ को, तो वो स्ट्रेच हो जाती है, वो टीयर आउट होती है, जैसे प्रेगनेंट बेलीज होती हैं, उसमें भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं. सो बेसिकली अगर हम मोटापे की लेकर हम बात करें, तो अगर आप स्किन लूज होने वाला जो कंसेप्ट होता है, वो कहाँ से आता है, कि अगर आप सपोज इट डिपेंड्स आप कितने साल तक मोटे रहे, है ना,
कि अगर मैं अगर आप अभी अभी मोटे हुए, लाइक अभी आपने 10 किलो बढ़ाया है, आपकी टमी बढ़ी है और आपको एकदम से पता लग गया कि मैं मोटा हो गया, बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपकी स्किन लूज होगी। ओके, बट अगर आपको आप 20 साल से मोटे हो या आप 10 साल से मोटे हो और आप बिल्कुल बेपरवाह हो, 10 साल बाद आपको होश आया जब आपको बीमारी लगने लगी कि ओहो मेरी वेस्ट लाइन 40 के आसपास जा रही है, बीमारियां लग रही हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन ये सब हो रहा है मेरे को, डायबिटीज, फिर अगर आप लूज करोगे यू विल लूज फैट ऑब्वियसली। अगेन इट डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स, बट जो जनरली देखा जाता है आप जितने ज्यादा देर तक मोटे रहते हो, दो तरह के प्रोटीन होते हैं बॉडी स्किन में, कोलाजिन एंड इलास्टिन, जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बना के रखते हैं। करेक्ट, ठीक है, बाहर दोबारा चिपक जाती है, राइट। सो जब आप एक रबड़ बैंड अपने दिमाग में ले गए, ये जो नॉर्मल रबड़ बैंड होता है, सपोज अब मैंने उसको स्ट्रेच किया और मैंने उसके बीच में एक डंडी लगा दी और फिर मैंने उसको रख दिया, अब वो स्ट्रेच्ड है 10 साल तक, आप 10 जब 10 साल बाद उसके अंदर से वो डंडी निकालेंगे वो स्ट्रेच्ड ही रहेगा बैंड, वो वापस नहीं जाता। तो काइंड ऑफ आपके वो जो कोलाजिन और इलास्टिन दो प्रोटीन हैं जो वो इलास्टिसिटी बना के रखते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, तब तक जो आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी बना के रखते हैं वो इतने सालों में, बिकॉज वो ऐसे लटके हुआ है इतनी देर तक पेट आगे, तो वो डैमेज हो चुका है, वो चीज़ डैमेज हो चुकी है और उतने कम चांसेस होते हैं वो किस हद तक पीछे जाएगा, बिकॉज वो तभी ये सप्लीमेंट्स आने शुरू हुए हैं, कोलाजिन के सप्लीमेंट्स आ रहे हैं। बट अगर आपकी स्किन लूज हो चुकी है, बिलीव मी वो वेस्ट ऑफ मनी है, उनका कोई फायदा नहीं है। तो इसे रिपेयर करने का क्या तरीका हमें नजर आता है? इसको आप बचा के चल सकते हो, सपोज जब आप अपना वेट, चलो डैमेज हो गया है, 5-5, 6-6, 8-8 साल लोगों के अर्ली, मतलब जो एक 30-40 ईयर एज का जो ब्रैकेट रहता है, क्योंकि अर्ली एजुकेशन पूरी हो गई, अर्ली जॉब्स हो गई हैं, सडनली आपने अर्ली 40s में रियलाइज किया कि भाई ठीक है वेट लूज करना है, या जैसे हमारे टीनेज डेज में वेट बढ़ गया, फिर आपने अर्ली कॉलेज आप हिट किए, फिर आपने रियलाइज किया कि मैं 10 साल से मोटा हो गया था, बच्चे खा खा के मोटे हो जाते हैं, या एक उस एज में और एक उस एज में, एंड देन आपने कहा कि कॉलेजन, तो आपकी कॉलेजन और इलास्टिन ने अपना काम 10 साल में कर दिया है एंड सप्लीमेंट से भी वो रिपेयर नहीं होगा, तो इलाज क्या है? शुड वी गो फॉर सर्जरी, और व्हाट डू यू थिंक अल्टीमेटली इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू इट? सर्जरी इज लाइक बहुत देर बाद वाला सॉल्यूशन, बट जो पहला स्टेप आपको लेना चाहिए, आपको जब आप अब फर्स्ट डे जा रहे हो कि हाँ अब मुझे अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है, मेरी वेस्ट लाइन बढ़ गई है, वो पॉइंट बहुत क्रूशियल है। आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो, आपने वेट लॉस किया कैसे है, आपने वो फैट लॉस किया कैसे है, आपकी क्या रूटीन थी, आपकी क्या डाइट थी, उस दौरान आप उस चीज को बहुत मिनिमाइज कर सकते हो। मगर अगर आपने एक बार गलती कर दी, अगर आपने एक्सेसिव कार्डियो, एक्सेसिव ट्रेडमिल, कैलोरी डिफिसिट में रह के ज्यादा देर, अगर आपने एक बार स्किन को तोड़ दिया शरीर से, तो वो वापस कभी नहीं जा सकती विदाउट ऑपरेशन, लेकिन इसका हल यही है कि आप जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपनी, तो किसी ऐसे ट्रेनर के पास जाओ जिसको उस चीज़ की नॉलेज हो कि इसको अगर आप, ऑब्वियसली मेरे पास भी क्लाइंट्स हैं जो 40-40 इंच वेस्ट वाले हैं, मैंने कोई ये नहीं किया कि मैंने उनकी स्किन बिल्कुल पीछे चिपका दिया, ऐसा क्योंकि वैसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वो 40-45 ईयर्स के हैं, उनको 10-10 साल बाद होश आया कि हाँ अब हमने पतले होना है, अब हमें बीमारियाँ लग रही हैं, सो फाइबर्स कुछ हद तक डैमेज हो चुका है, इलास्टिन कोलाजिन वो पूरा वापस नहीं जा सकता। अगेन इट डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स, वो कितना पीछे जाएगा कि कितना डैमेज हुआ है। और अब करना क्या होता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी फैट लॉस, एक्सेसिव कार्डियो नहीं करना, प्रोटीन का इंटेक का बहुत ध्यान रखना है, अपने वर्कआउट्स में क्रॉसफिट ज़्यादा डालो बजाय कि एक्सेसिव रनिंग के, और स्ट्रेंथ वर्कआउट्स पे फोकस करो, तो आप उस चीज़ को काफ़ी हद तक मिनिमाइज करके चल सकते हो। बट अगर आप इट्स लाइक यू आर 5'6" or 5'7" और आपका वेट है 120-130, कुछ नहीं कर सकते कुछ केसेस में इस लाइक कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो स्किन लूज होगी ही होगी, बिकॉज आपका फ्रेम बहुत छोटा है और आपने बहुत ज्यादा टिश्यू क्रिएट कर लिया उसके ऊपर। अब आप लूज तो कर लोगे बट वो सब सैग करेगा और फिर अल्टीमेटली आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा अगर आपको एक विदाउट टी शर्ट में अच्छे दिखना है तो। राइट, तो अमन लोगों के लिए कितना ज़रूरी हो गया है कि वो विदाउट टी शर्ट मूव करें या वो खुद को देखना चाहते हैं? एज द क्रेज गॉन हाई, और क्रेज तो हाई था आदमी पहले भी था, बिकॉज यू कैन सी बॉडी बिल्डिंग गोल्डन एरा अर्नोल्ड वाला, और शुरू से ही लोगों को क्रेज है लाइक बेयर बॉडी घूमना,
बट अब ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ हमने पिक्स डाल लिया. अच्छा, लोगों को अपने आप को शो ऑफ करने का बहुत शौक है. अब हमारे पास क्लाइंटेज ऐसी है जो जिम नहीं करते ज़्यादा, अपनी ये आपकी एक ऐप होती है जैसी इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट. हाँ. स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स करके कुछ होता है. अच्छा. तो स्ट्रीक्स बनाते रहते हैं खड़े होके. हाँ. तो उस वजह से लोगों को बहुत शौक हो गया है कि हाँ हमने अब बॉडी बनानी है, एप्स बनाने हैं. कि हमने एप्स बनाने हैं. जैसे आज सुबह भी मेरे से मेरी एक क्लाइंट है, वो मेरे से बात कर रही थी. हालांकि ठीक ठाक फिजिक है उसकी, बट शी वाज सेइंग दैट शी वांट्स एप्स. ना, तो मैंने उससे एक जनरली वैसे ही मैंने पूछा कि मैम ठीक है, पर आपको एप्स क्यों चाहिए? कि तो शी सेड कि वैसे ही बस एक बार बना के देखने हैं, है ना. तो मैंने उसको फिर समझाया, मैंने कहा मैम आप, शी इज़ फिट. मैंने कहा आप फिट हो, मैंने कहा फिटनेस मेंटेन रखो, एब्स मेंटेन रखने वाली चीज़ नहीं है. एब्स आप बहुत देर तक मेंटेन नहीं रख पाओगे, बिकॉज आपकी बॉडी ग्रेजुअली, आप फीमेल, फीमेल तो फीमेल बॉडी तो बहुत जल्दी फैट गेन कर लेती है दोबारा. आप फिटनेस मेंटेन करके चलो, लाइफस्टाइल बदलो और इस चीज़ को मेंटेन करो, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि एब्स के पीछे पड़ने के. और लोगों में, यंगस्टर्स में एब्स का, बियर बॉडी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है. बट वो उस क्रेज़, वो क्रेज़ ही है मतलब, लेकिन जो उसके पीछे लेबर है. मैंने सुना है यंगस्टर्स चीनी खाना छोड़ देते हैं, नमक छोड़ देते हैं, मतलब पानी छोड़ देते हैं, ये सुनते हैं चीज़ें. मतलब एक आपने देखा है, एक आदमी प्रो लेवल का कम्पीट कर रहा है. देखो वो उसकी ब्रेड एंड बटर है, वो उसकी लाइफ है. बच्चे इधर स्टूडेंट एज में हैं, अभी अर्ली जॉब एज में, उनके अलग लाइफ के प्रेशर्स हैं और वो नमक छोड़ देते हैं, वो चीनी छोड़ देते हैं. किसी से सुन लिया कि यार रिप्ट रहने के लिए पानी छोड़ देते हैं. अरे वो पानी छोड़ता है 2 दिन और वो 365 दिन, वो 360 दिन वो 6-6, 8-8 लीटर पानी भी तो पी रहा था ना, उसने 2 दिन छोड़ा है. और यहाँ मैंने देखा लोग, आप कितना पानी पीते हो, नहीं मुझे रिप्ड रहना है इसलिए मैंने स्किन में, मेरी बॉडी पता नहीं मिथ सुन लेते हैं, वाटर होल्ड करती है जी. ये क्या हो गया लोगों को? ये आई थिंक ये जो, ये भी सोशल मीडिया का ही देन है. एक यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जो लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, 4 दिन साल जिम जाके और फिर अपना एक पेज बना लेते हैं और इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है. ये फिर लड़के ऐसे लड़कों को फॉलो करते हैं जो ऐसी शॉर्ट टिप्स देते हैं कि 20 रुपये में बॉडी बनाओ. देखे होंगे आपने ऐसे कैप्शन होते हैं यूट्यूब पर, है ना, 20 रुपये में बॉडी बनाओ, 10 रुपये का प्री वर्कआउट. तो इस तरह की चीज़ें प्रमोट की जाती हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, फजूल की चीज़ें हैं ये बिल्कुल. और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक जो लड़के स्टेज पे कम्पीट करते हैं, जो लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो अपने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन से 2 या 3 दिन पहले 4 दिन पहले सॉल्ट को मिनिमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, वाटर मिनिमाइज करना स्टार्ट. हाँ, छोड़ते भी नहीं है वो भी, मैंने लास्ट के 2 वीक्स में देखा है, मतलब ज्यादा मिनिमाइज करना स्टार्ट करते हैं, वो भी मिनिमाइज करते हैं, बंद नहीं करते. और उससे मिनिमाइज करने से पहले वो बहुत ज्यादा पीते भी हैं. ठीक है, फिर जिस दिन उनका कॉम्पिटिशन होता है, जब उन्होंने स्टेज पे जाना होता है, फिर लोड करते हैं वो कार्ब्स, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ताकि बॉडी उठे एकदम से. ठीक है, अब ये और वो ये चलता है सिर्फ 2 या 3 दिन और उसके बाद उनको जस्ट आफ्टर स्टार्विंग द बॉडी फॉर लाइक 72 आवर्स जो फर्स्ट मील है वो उनको पता है क्या खानी है. अब यहाँ पर होता है कि अच्छा नमक है, नमक ब्लॉटिंग कर देता है, नमक सोडियम वाटर होल्ड करता है, सोडियम छोड़ दो. ठीक है, चीनी से मोटे होते हैं, चीनी छोड़ दो. अच्छा पानी छोड़ दो, पानी होता है, अच्छा पानी छोड़ दो. अब अगर अगर मैं ऑडियंस को बताऊं तो सोडियम की भी, जैसे हम क्रिएटिन एक सप्लीमेंट है उसकी हम लोडिंग करते हैं, इवन सोडियम की भी लोडिंग होती है बॉडी बिल्डिंग, लोग सोडियम भी लोड करते हैं. आप सोडियम से भी प्ले कर सकते हो बॉडी में, ऑब्वियसली उसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है किसी अच्छे ट्रेनर और जिसको बहुत नॉलेज हो उसके अंडर रह के आपने वो चीज़ करनी है. तो सोडियम के साथ भी आप प्ले कर सकते हो, आप पानी के साथ बहुत, आप कार्ब के साथ बहुत प्ले कर सकते हो, बट उसके लिए नॉलेज चाहिए. जैसे कई बार आपने सुना होगा लड़के कहते हैं सर कल पंप आ रहा था आज पंप नहीं आ रहा, कल अच्छा पंप आ रहा था आज अच्छा पंप नहीं आ रहा. द रीज़न इज कल उन्होंने कार्ब्स इनटेक हाई होगा उनका, कुदरती उनसे कुछ खाया गया होगा गलती से. ठीक, उन्होंने वर्कआउट किया, उनको अच्छा पंप आया और अच्छा पंप आने के चक्कर में उन्होंने पेला अपने आप को अच्छी तरह, मतलब और एक्सरसाइज करी, अच्छा पंप आ रहा था तो और एक्सरसाइज करी. अब अगले दिन दोबारा एक्सरसाइज करने आ गए लेकिन अब बॉडी अभी भी ड्रेन्ड है. एग्जैक्टली, आप बॉडी रिकवर नहीं, बॉडी ने रिकवर नहीं किया, नहीं कर सकती. मेरी बॉडी अभी तक, मेरे को इतने साल हो गए हैं लेकिन जबकि मुझे पता है चीज़ों का, तब भी मैं बॉडी से वो सेम रिजल्ट्स नहीं ले पाता. जस्ट जैसे लास्ट वीक आई डिड 120 kg रोमेनियन डेडलिफ्ट्स एंड यस्टरडे आई डिड 100, मतलब कल मेरे को 100 ही हैवी लग रहा था. क्योंकि आपका वो मेंटल लेवल, कई बार आपकी वो एनर्जीज, आपका वो फिटीग, फिटीग लेवल के बीच में आ जाता है. बट
वो यंगस्टर्स हैं, वो सर हो नहीं रहा, तो उनको समझाना पड़ता है कि चीज़ें ऐसी नहीं होती। ये बहुत ही एक पेशेंस वाली स्पोर्ट है। लोगों को 20-20 साल हो जाते हैं और आप उनकी 20 साल की बॉडी को देख के कहते हो कि हमें ये ऐसी बॉडी चाहिए। हाँ, ऐसी बॉडी हमें 2 महीने में चाहिए। दो महीने में 20 साल का काम कैसे हो सकता है? यही लोग मुझसे पूछते हैं, सर फिल्में कैसे बनती हैं? व्हाट डू यू फील अबाउट जिम? हाउ डू यू सी योर जिम एज? मतलब आई फील फॉर मी वर्क इज वर्शिप। मतलब समटाइम्स इफ यू आर इन लव विद योर वर्क यू डू इट। How do you see it? It feels like a temple to you. It feels like a gurdwara to you. It feels like, matlab emotionally, or how does the workplace feel to you? No, I think जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि one of the most difficult decisions of my life, career switch किया जब मैंने। But अगर कोई मुझसे आज पूछेगा तो मैंने 2015 में professionally career की शुरुआत करी थी अपनी as a trainer, और from that day I have not worked a single day in my life. ये मेरी भी लाइन है ऐसे मतलब क्योंकि मुझे कभी फीलिंग ही नहीं आती कि मैं काम कर रहा हूँ लिटरली। जबकि माय पेरेंट्स, माय वाइफ, वो लोग मुझे बोलते हैं कि यार तू सुबह जाता है, रात को आता है, फिर चला जाता है, सुबह गया हुआ तेरा कोई टाइम नहीं है। मुझे पर्सनली कभी फील नहीं होता कि हाँ मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल है। मतलब इट्स लाइक मैं कई बार, मेरे ट्रेनर्स हैं, सीनियर ट्रेनर्स हैं, हम बैठे होते हैं तो मेरे से कोई एक्सरसाइज पूछने आ जाता है क्लाइंट, तो इट वॉज लाइक कि रात के 2 बजे भी कोई मेरे को उठ के एक्सरसाइज पूछ लेगा चेस्ट की तो मैं 4 बता दूंगा, तो मैं आधी नींद में ही बता दूंगा। तो एंड एक्चुअली वो मेरा काम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कई बार खड़ा हूँ तो कोई क्लाइंट आता है, सर आज आर्म्स की 5 एक्सरसाइजें बता दो। आई मीन मैं कई बार खुद सोचता हूँ यार ये काम है यार, कोई 5 एक्सरसाइजें बतानी। सो इतना आसान है, इतना ईजी है। और आई थिंक अगर मैं इस फील्ड में ना आता तो आई डोंट थिंक सो मैं ये इंटरव्यू कर रहा होता। अगर तुम्हारा कोई प्लान बी था? मेरा प्लान बी था ही नहीं, और मैं बताता हूँ होना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास प्लान बी है, आपने मेरे पुराने शोज या टॉक्स देखी हैं तो वो कोई पूछते हैं अगर आप फिल्म ना बना रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? मैंने कहा क्योंकि मैंने सोचा नहीं, प्लान ए ही रखो और इतना पावरफुल रखो। ये बी तब होता है जब आपको प्लान ए पे भरोसा नहीं होता। दैट इज फॉल बैक प्लान ना, कि अगर आपका ये प्लान काम नहीं गया तो आप पीछे गिरोगे जाके कहीं, और कहीं ना कहीं तो गिर जाओगे। मैंने देखा लोग अपने प्लान बी पे ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं, अगर मैं नहीं चला तो मैं नहीं, तो ये क्या होता है? तो मेरे साथ ये हो सकता था कि अगर मैं इस लाइन में कामयाब ना हो तो शायद, बिकॉज आई हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री, तो शायद मैं उस लाइन में कहीं ना कहीं तो फिट हो जाऊंगा। बट द प्रॉब्लम इज मैंने 6 साल में सीखा कुछ नहीं था इंजीनियरिंग में, मेरे को मतलब इट्स लाइक सिंपल, मेरे को कुछ कोड करना नहीं आता था। तो मेरे लिए प्लान ए ही था और मुझे इसी में काबिल, आई हैव नो चॉइस, और टिल डेट आई हैव नो चॉइस, मुझे इसी फील्ड में रह के ग्रो करना है अपने आप को। जितनी भी इसकी ब्रांचेस रहती हैं, लाइक आई नाउ हैव अ जिम, आई हैव एन अकेडमी, नाउ आई विल ओपन अदर जिम, इन फ्यूचर मेरा अपना सप्लीमेंट स्टोर करने खोलने का भी सपना है। तो मेरे को इसी फील्ड में रह के अपने आप को ग्रो करना है। मैं प्लान बी गाइस होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपका प्लान बी नहीं होना चाहिए, आपका एक ही प्लान होना चाहिए और उसी पे आप इतने फोकस्ड हो और 100% आपको सक्सेस मिलता है उसमें। करेक्ट। ये बात सुन के मतलब इतना मज़ा आया ना मेरे को, इतना मज़ा आया मेरे को। और मुझे घड़ी भी दिख रही है सामने, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब जाऊँगा, अभी ये सारा फुटेज वगैरह चली जाएगी, सब हो जाएगा, ऑफिस में काम करके मैं जिम कितने बजे आऊँगा। और अभी मेरे मन में भी चल रहा है कि मील खाना है, 15 मिनट रह गए जिम खुलने में, करके चले जाना। आज अमन तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे पास तुम्हारे लिए हैंपर्स हैं हमारे पार्टनर्स की तरफ से, एंड दिस द फर्स्ट वन इज फ्रॉम एरोमा मस्क, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये पहले हमने पॉडकास्ट भी बहुत रिकॉर्ड किए हैं जस्सी के साथ, तो मैं हमेशा सोचता था यार कुछ दे दिया करो, कुछ मैं बोलता हूँ इतनी देर कुछ दे दिया करो। सो आई एम वेरी हैप्पी आज मुझे मिला है ये। और ये एलिस्टोस की तरफ से हैम्पर है अमर के लिए, तो नाउ यू हैव टू गुड हैम्पर्स एंड प्लीज शो द हैम्पर्स टू द ऑडियंस। हाँ, सामने ही रखती है, राइट। तो आज बहुत अच्छा लगा बात करके, इतने टाइम से हमारा ड्यू था मिलना, बात करना, और आई होप मिलने के बाद मैं भी फिट हो जाऊँ। अगर आप स्टोरीज वगैरह भी मेरी फॉलो कर रहे हो, अगर कर लेते हो अमन की तो करो ही करो, बिकॉज ही विल पुट वेरी इंस्पायरिंग कोट्स ऑन हिज स्टोरीज एंड व्हेन ही स्टार्ट्स ट्रांसफॉर्मिंग, एंड ही इज नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग हिमसेल्फ, ही इज ट्रांसफॉर्मिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। एंड व्हाट आई लाइक
देर आर सो मेनी थिंग्स टू लाइक अबाउट हिम एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट इज कि नॉट ओनली अमन ने एक अपने लिए एक सक्सेसफुल करियर बनाया है फिटनेस इंडस्ट्री में, अमन ने और भी नए लोगों को चांस दिया है. यू कम हेयर एंड यू सी अ लॉट ऑफ गुड ट्रेनर्स एंड आई हैव सीन देम बींग कंसिस्टेंट. मुझे ट्रेनर्स में रोटेशन भी नहीं फील हुई कि मैं आऊँ चार महीने बाद एक नया ट्रेनर है या छः महीने बाद नया ट्रेनर. जो एक बार जुड़ा है वो जुड़ता ही गया है. तो यह बहुत अच्छा मैं मानता हूँ कि एक अच्छी लीडरशिप स्किल है, ये अच्छी आपकी मैनेजमेंट स्किल है. तो बने रहिए आप हमारे साथ RFE Unplugged पे. ये बहुत ही अच्छा एपिसोड था मंजोत आपके साथ. और सच सच बताना कि कितने टाइम से हमारी प्लानिंग चल रही थी और मैं अमन मेरे को डेट नहीं दे रहा था. मैं इसको यही कहता था मेरे को इनके मैडम से सिफारिश लगवानी पड़ी कि अमन मेरे को टाइम नहीं दे रही. कहती हाँ मैं बोलती हूँ, तो जाके अमन ने मेरे को अगले दिन टाइम दे दिया. नहीं देखो ये तो मतलब बहुत बड़ा बना देते हैं मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है. मेरी कोई डेट्स वेट्स बहुत बिजी नहीं रहती, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होता है बट ऐसा कुछ नहीं है. हम आई थिंक तीन चार हफ्ते से प्लान कर रहे थे कि एक टॉक करनी है और आई थिंक जो प्लेटफॉर्म मुझे किसी ने दिया, आई थिंक ओजस्वी इज द फर्स्ट वन जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं मास्टर्स से लाइक बात कर सकूं और मेरा फेस और यू नो द थिंग्स आई हैव इन मी एंड द एक्सपीरियंसेस आई हैव ओवर सो मेनी इयर्स, मैं एटलीस्ट वो शेयर कर पाऊं जो मेरे अंदर है. इन्होंने रिकॉग्नाइज किया दैट यस आई हैव दैट थिंग्स इन मी जो अगर मैं शेयर करूँगा किसी से तो वो इम्पैक्ट करेगी कहीं ना कहीं. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट. और इस एपिसोड को आप देखिए एंड एन्जॉय. सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग RFE Unplugged ऑन रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट. दिस इज मी ओजस्वी शर्मा साइनिंग ऑफ विद अमनजोत सिंह. आप देख रहे हैं RFE Unplugged रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे.